यस सर। ओके, तो बताओ फिर लास्ट क्लास में क्या हुआ था, उसी हिसाब से पढ़ाएंगे आगे। सर एग्जाम्पल्स हुए थे। हाँ ओके ओके, तो लास्ट क्लास में मेरे ख्याल से कंप्लीट नहीं हो पाई थी ना। यस सर, नहीं हुई सर थी कंप्लीट। एग्जाम्पल्स कंप्लीट हो। चलो कोई नहीं, आई होप कि आज हो जाए। ठीक है, स्टार्ट करते हैं अपना, कि किंगडम मोनेरा से स्टार्ट करना होगा मेरे ख्याल से, है ना। यस सर। ओके ओके, तो आपको वैसे भी पता ही है कि फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन को हम फॉलो करते हैं। वैसे हम लोग जो पढ़ते हैं वो सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन तक हम पढ़ चुके हैं, है ना, सिक्स किंगडम तक। ठीक है, जिसके अंदर कार्ल वूस ने क्या बताया था, क्या बताया था कार्ल वूस ने, कि आर की इसमें रखी है और वो हाँ ये तीन पार्ट्स रखी है। में इसको डिवाइड कर दिया था, थ्री पार्ट्स में इसको डिवाइड कर दिया था। तो थ्री पार्ट्स कौन कौन से थे, वो आर्किबैक्टीरिया, बैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया। ठीक है, तो तीन पार्ट्स में इसको डिवाइड किया। वैसे देखा जाए तो मतलब जेनेटिकली बेसिस पे इसको डिवाइड किया गया है, तो सबसे बेस्ट मेथड है कि इन क्लासिफिकेशन को पढ़ने के लिए। क्योंकि सबसे पहले होता क्या है इनमें, कि जो आर्की बैक्टीरिया थे, जो फर्स्ट जो बैक्टीरिया थे इस पूरी मतलब पूरी दुनिया में, जो सबसे पहले जो बैक्टीरिया ने अपने आप को प्रोड्यूस किया, तो वो थे आर्की बैक्टीरिया। ठीक है, उनसे बने हैं बैक्टीरिया। ठीक है, फिर उनसे एलिब्रेट हुए हैं यू बैक्टीरिया। तो एक सीक्वेंस बन रही है, जो जेनेटिकली सीक्वेंस भी बोल सकते हो आप। तो सबसे अच्छा मेथड है कार्ल वूस का, लेकिन हम जो फॉलो करते हैं वो करते हैं फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन को, जो किसने दिया है वो आर एच आर एच विटिकर, विटिकर। आर एच विटिकर। ये कौन से सन में दिया है, कौन से सन में दिया है, 1969। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, तो हम उसी चीज को फॉलो करेंगे जो एनसीईआरटी और जो बाकी लोग भी फॉलो करते हैं, वो है फाइव किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन। तो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक, तो देखते हैं। देखो, आपको पता है जो मोनेरा था, मतलब जो मोनेरंस थे, उसके अंदर तीन ग्रुप तो ऑलरेडी उसके अंदर प्रेजेंट ही है ना। दो ग्रुप तो मेनली है ही है, आर्की बैक्टीरिया का और एक है यू बैक्टीरिया का। ठीक है, वो मैं बताऊंगा कि दोनों में डिफरेंस क्या है आर्की बैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया के अंदर। लेकिन उससे पहले थोड़े से सम कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स देख लेते हैं मोनेरंस के। ठीक है, आपको पता है कि जो ये मोनेरा है, जो ये मोनेरंस है, ये भी कहाँ से बने हैं, मतलब कहाँ से प्रोड्यूस हुए हैं। ठीक है, ये आपको बता पाएगा कहाँ से प्रोड्यूस हुए हैं भी। इसका नाम है सर प्रोजेनोट, हाँ, जहाँ से आ गया प्रोजिनोट, है। बिल्कुल सही बात है, प्रोजिनोट। ठीक है, तो पहली लाइन इसके बारे में देखो, वन बाय वन, मतलब सबसे छोटी चीज से लेके और सबसे कॉम्प्लेक्स चीज तक हम लेके जाएंगे, हम इसको कंप्लीट करेंगे। तो देखते हैं कि मोस्ट जो मोनेरल्स होते हैं वो क्या होते हैं, मोस्ट प्रिमिटिव फॉर्म ऑफ लाइफ। ठीक है, मोस्ट प्रिमिटिव फॉर्म ऑफ लाइफ विच ओरिजिनेट ओरिजिनेट विच ओरिजिनेटेड फ्रॉम फ्रॉम अ प्रिमिटिव फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड प्रोजिनोट। ठीक है, ये नीट में आपका आ सकता है, ये नीट का क्वेश्चन बन सकता है कि भाई मोनेरंस भी कहाँ से डेवलप हुए, कहाँ से मतलब किस फेज से निकल के आए हैं मोनेरंस भी। तो इसका आंसर होगा प्रोजिनोट, प्रोजिनोट। आप इसको नोट कर लेना, ठीक है, अंडरलाइन से। तो एक्चुअली क्या होता है कि जो प्रोजिनोट्स होते हैं वो एक मतलब सेल नहीं है, मतलब वो एक, ठीक है, जैसे हम बोलते हैं ना भाई, एक यूनि सेलुलर मतलब स्ट्रक्चर होती है जो सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म होती है। ठीक है, किसी का भी एग्जांपल ले लो आप, चाहे बैक्टीरिया का ले लो, चाहे अमीबा का ले लो। ठीक है, उससे पहले भी जो लाइफ फॉर्म हुई होगी वो प्रोजिनोट है। लेकिन जो ये लाइफ है, ये इनकम्प्लीट लाइफ की फेज में है। यहाँ से जो जो लिविंग चीजें हैं, यहाँ से बननी स्टार्ट हुई है। जैसे मैंने आपको बताया कि भाई जो ये आर्की बैक्टीरिया है, आर्की बैक्टीरिया से बनते हैं बैक्टीरिया, बैक्टीरिया से बनते हैं यू बैक्टीरिया। ठीक है, आपको पता है आर्की बैक्टीरिया के अंदर क्या आता है, आर्की बैक्टीरिया
आर्की जो तीन डोमेन है हमारे, आर्की का, बैक्टीरिया का और यू बैक्टीरिया का, तो जो आर्की वाला डोमेन है उसके अंदर में आते हैं आर्की बैक्टीरिया आते हैं, ठीक है। और जो सेकंड डोमेन है हमारा बैक्टीरिया, इसके अंदर कौन से बैक्टीरिया आते हैं ये कोई बता पाएगा? ट्रू ट्रू बैक्टीरिया। बैक्टीरिया, बिल्कुल ठीक है। तो इसके अंदर लिख सकते हैं हम ट्रू बैक्टीरिया की फॉर्म में जो होते हैं। और जो थर्ड वन है इसके अंदर आते हैं जितने भी हमारे किंगडम बसते हैं, कौन कौन से किंगडम बसते हैं हमारे, एक तो प्रोटिस्टा हो गया, फंगाई, फंजाई फंजाई हो प्लांटे, गया, एनिमेलिया। प्लांटे हो गया और एनिमेलिया हो गया, ठीक है। ये हम देखो तीन डोमेन है हमारे पास, ठीक है। जो कार्ल वूस के हिसाब से हमारे पास तीन डोमेन है, एक तो आर्की का, ठीक है, दूसरा है बैक्टीरिया का, ठीक है, तीसरा कौन सा है, यू बैक्टीरिया का, ठीक है। जो आर्की वाला डोमेन है उसके अंदर जो किंगडम रखा गया है वो है आर्की बैक्टीरिया का किंगडम, ठीक है। जो बैक्टीरिया है उसके अंदर रखा गया है यू सर बैक्टीरिया का किंगडम। यस सर, जो थर्ड वाला है वो डोमेन, वो यू बैक्टीरिया था, यू कैरिया था। ये यू, सॉरी यू कैरिया, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है आपकी, ओके सर। ये यू कैरिया है, कैरिया, ठीक है, ये यू कैरिया, यू बैक्टीरिया नहीं है, ठीक है। यू बैक्टीरिया तो बैक्टीरिया के अंदर आ जाए ना, यहाँ पे आएगा यू बैक्टीरिया, जो ट्रू बैक्टीरिया जैसे हम बोलते हैं, ठीक है। तो कार्ल वुस के साथ से तीन डोमेन थे। तो हम बात करें प्रोजेनोट की, तो प्रोजेनोट एक ऐसी फॉर्म ऑफ लाइफ है जो इनकम्प्लीट फॉर्म ऑफ लाइफ है, जिसने प्रोड्यूस करा किसको, आर्की बैक्टीरिया के ग्रुप को, आर्के जो डोमेन है उसको प्रोड्यूस किया। तो इसको प्रोड्यूस करने वाला कौन है, इसको प्रोड्यूस करने वाला है प्रोजिनोड, ठीक है। ये फर्स्ट पॉइंट समझ में आया आपको? यस सर। ओके। जो मोनेरन्स होते हैं, ठीक है, वो मोस्टली सिंगल सेल वाले होते हैं, आपको पता है, मोस्टली सिंगल सेल होते हैं, ठीक है, सिंगल सेल होते हैं, सिंगल सेल, बट विद विद फ्यू कॉलोनियल फॉर्म। सर, ये प्रोजेनोट आपने सिर्फ आर्की बैक्टीरिया के लिए बताया या फिर पूरी मोनेरा के लिए? ये देखो सबसे पहले जो लाइफ फॉर्म हुई थी वो प्रोजेनोट की फॉर्म में लाइफ हुई थी, उसके बाद आर्की बैक्टीरिया की फॉर्म में लाइफ आई है, उसके बाद बैक्टीरिया मतलब ट्रू बैक्टीरिया की फॉर्म में लाइफ आई है, उसके बाद यू कैरिया के अंदर जो ग्रुप बने हुए हैं जैसे प्रोटिस्टा हो गया, फंजाई हो गया, प्लांटी हो गया, एनिमलिया हो गया। तो ऐसे जो ये सीक्वेंस है ना भाई, जो फाइव किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन है उसके अंदर भी बहुत सारे हैं जो ड्रॉबैक्स हैं, ठीक है, लेकिन जो हमें फॉलो करना चाहिए एक्चुअली में वो कार्ल वूस को फॉलो करना चाहिए, क्योंकि इससे हमें पता चलता है कि पहली लाइफ से लेके और जो आखिरी लाइफ है, जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ लाइफ है, वहां तक का हमें सिक्वेंस पता चलता है। ओके ओके ओके। तो जो मोनेरा था, जो मोनेरन्स होते हैं वो मोस्टली सिंगल सेल्ड होते हैं बट विद फ्यू कॉलोनियल फॉर्म्स होते हैं। मैंने आपको डीपीपी में एक क्वेश्चन दे रखा है कि प्रोकैरियोट्स किसके अंदर आते हैं, ठीक है, मोस्टली प्रोकैरियोट्स किसके अंदर, मतलब यूनिसेल्यूलर किसके अंदर आते हैं। तो ऑप्शन, जो ऑप्शन थे, जैसे डीपीपी का मैं एक क्वेश्चन लिखता हूँ आपके लिए, एक क्वेश्चन है डीपीपी का, क्वेश्चन ये था कि यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, किसके अंदर में आते हैं, मतलब इंक्लूड्स किसके अंदर में आते हैं। तो पहला ऑप्शन है हमारा, जैसे मैं लिख देता हूँ, साइनोबैक्टीरिया, ठीक है, सेकंड है मोनेरा, और थर्ड है प्रोटिस्टा, सेकंड एंड थर्ड। ठीक है, एंड फोर्थ है ऑल ऑफ द अबव। मे बी क्वेश्चन यही था, ऑल ऑफ द सर, अबव। ऑल ऑफ द अबव। तो इसका ऑल आंसर ऑफ द कौन, अबव आ फिर भी जाएगा सर सोचो, फिर। थोड़ा सा सोचो, मैं एक बार क्वेश्चन फाइंड आउट कर लो कि यही क्वेश्चन है या नहीं है वो क्वेश्चन। तो एक बार फिर भी सोचो इस बारे में, क्योंकि आज ही एक बच्चे ने मुझसे पूछा है ये। तो क्वेश्चन ये था, यूनिसेल्यूलर इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स, इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ
ठीक है, इसको काट देंगे ऑर्गेनिजम्स को। क्वेश्चन ये था, ठीक है, यूनिसेल्यूलर इज द कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ साइनोबैक्टीरिया, मोनेरा, प्रोटिस्टा या ऑल ऑफ द अबव। अब मुझे बताओ, कोई बता पाएगा? सर प्रोटिस्टा। नीट में आया हुआ क्वेश्चन है ये, ठीक है। प्रोटिस्टा कैसे बता रहे हो आप? प्रोटिस्टा कितने बच्चे हैं जो साइनोबैक्टीरिया को बोल रहे हैं? कोई है साइनोबैक्टीरिया वाला? नहीं है। मोनेरा वाला? किंगडम मोनेरा के अंदर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म तो होते हैं, तो ये हो सकता है आंसर या नहीं हो सकता? सर फोर्थ होना चाहिए ऑल ऑफ द अबव। फोर्थ यस सर। अच्छा फोर्थ वाले किसके, कौन कौन बच्चे हैं फोर्थ वाले के साथ? यस सर फोर्थ ही होगा। फोर्थ सर। यस सर। यस सर। मैं कह रहा हूँ कि फोर्थ वाले के साथ सभी है। यस सर। यस सर। मैं 100% ऑफ वोट इसको दे रहा हूँ, ठीक है। लेकिन जो इसका आंसर है वो फोर्थ नहीं है, इसका आंसर है प्रोटिस्टा, ठीक है। मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा, क्या कोई बच्चा एक्सप्लेन करना चाहेगा मुझसे पहले? सर ये मैंने किया हुआ है, तो एक्चुअल में एक्सप्लेनेशन तो यही थी इसकी, क्योंकि साइनोबैक्टीरिया जो होता है वो कोलोनियल फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है और वो मोनेरा के अंदर आता है। यस यस, तो बिल्कुल मैंने अभी जस्ट एक लाइन लिखी है, मोस्टली सिंगल सेल्ड होते हैं बट विद फ्यू कॉलोनियल फॉर्म होते हैं, ठीक है। जब ये कॉलोनीज फॉर्म कर लेंगे, ठीक है, तो इनकी स्ट्रक्चर कैसी हो जाएगी? मल्टी सेलुलर हो जाएगी, मल्टी सेलुलर हो जाएगी स्ट्रक्चर इनकी। अगर ये कॉलोनीज फॉर्म करते हैं तो ये मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर हो जाएगी, तो ये यूनिसेलुलर तो रहेंगे नहीं, है ना। तो अगर साइनोबैक्टीरिया कॉलोनीज बनाता है, कॉलोनीज बनाता है, ठीक है, तो और साइनोबैक्टीरिया के अंदर क्या आता है, मतलब साइनोबैक्टीरिया किसके अंदर में आता है? मोनेरन्स के अंदर में आता है, ठीक है। तो ये दोनों ऑप्शन तो मोनेरा, ठीक है, और जो ऑल ऑफ द अबव है ये भी नहीं रहेगा, तो कौन सा आंसर रहेगा? प्रोटिस्टा। और आपको पता है प्रोटिस्टा क्या होता है? स्ट्रिक्टली यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स होता है, ठीक है। क्लियर हुआ दोनों पॉइंट्स? देखो दोनों पॉइंट्स से क्वेश्चन आ चुका है नीट में, ठीक है। पहला पॉइंट ये था कि भाई पहली जो लाइफ फॉर्म हुई होगी इस अर्थ के अंदर वो किस फॉर्म में हुई होगी, तो उसका जो आंसर है वो है प्रोजिनोट। तो ये ना मींस मतलब लैंग्वेज की फॉर्म में भी या स्टेटमेंट की फॉर्म में भी आपसे क्वेश्चंस पूछा जा सकता है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि सबसे पहली जो लाइफ है इस अर्थ के ऊपर वो प्रोजिनोट की फॉर्म में हुई थी, उसके बाद आर्की जो बैक्टीरिया है वो आए थे, उसके बाद आर्की बैक्टीरिया से बने थे यू बैक्टीरिया जो ट्रू बैक्टीरिया के नाम से हम जानते हैं, देन उसके बाद यू कैरिया जैसे प्रोटिस्टा हो गया, फंजाई हो गया, प्लांट हो गया, एनिमल हो गया, इस फॉर्म में लाइफ की डेवलपमेंट चलती रहती है, ठीक है। तो सिंपलेस्ट फर्स्ट फॉर्म ऑफ लाइफ से लेके और लास्ट फॉर्म ऑफ लाइफ तक हम पहुंच चुके हैं, ठीक है। तो जो इसको प्रोड्यूस करता है दैट इज द प्रोजिनोट है, ठीक है। फर्स्ट जो मेरी स्टेटमेंट है वो कंप्लीट हो चुकी है। सेकेंड स्टेटमेंट क्या है कि मोस्टली सिंगल सेल्ड होते हैं बट विथ फ्यू कॉलोनियल फॉर्म्स होती है, ठीक है। फ्यू कॉलोनीज फॉर्म, अगर कोई भी बैक्टीरिया कॉलोनीज बना रही है, ठीक है, कॉलोनीज में रहती है, ठीक है, सिंगल फॉर्म ऑफ लाइफ में नहीं रहती, वो कॉलोनीज में रहती है, तो उनको हम मान के चलते हैं कि ये मल्टी सेलुलर में आते हैं। लेकिन क्या है, जो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स है वो बैक्टीरिया से मैच खाते हैं, इसलिए हमने इस वाले ग्रुप को किसके अंदर रखा है? बैक्टीरिया के अंदर रखा है, ठीक है। तो अगर कोई आपसे पूछे कि भाई यूनि सेलुलर इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ साइनोबैक्टीरिया, मोनेरा, प्रोटिस्टा या ऑल ऑफ द अबव में से पूछेगा, तो अफकोर्स सी बात है आपको पता लग गया है तो कि इसका आंसर क्या होना चाहिए, प्रोटिस्टा होना चाहिए, ठीक है जी। समझ में आया इतना? यस सर। ये दोनों पॉइंट क्लियर है ना? दोनों पॉइंट नीट में आ चुका है? यस यस सर, क्लियर। ओके ओके, नोट कर लिया आपने? यस सर। ओके यस सर, आगे बढ़ते हैं। हमारा जो थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स है, मतलब तीसरा जो पॉइंट है हमारा, ठीक है, तीसरा पॉइंट जो है वो है जो मोनेरन्स होते हैं वो किस फॉर्म में होते हैं? प्रोकैरियोटिक की फॉर्म में होते हैं, बताइए। तो प्रोकैरियोट्स हो गए या फिर यूकैरियोट्स हो गए, ठीक है। तो मोनेरन्स कौन से होते हैं? प्रोकैरियोटिक होते हैं, प्रोकैरियोट, ठीक है, प्रोकैरियोटिक होते हैं। देखो प्रोकैरियोट्स का मतलब क्या होता है, प्रो का मतलब क्या होता है यहाँ पे?
यहाँ पे प्रो का मतलब क्या होगा? प्रिमिटिव। और कैरियोट्स का मतलब क्या होता है? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस, तो इसका जो न्यूक्लियस होगा वो प्रिमिटिव न्यूक्लियस होगा, ठीक है। प्रिमिटिव न्यूक्लियस का मतलब क्या होता है भाई यहाँ पे? भाई जनरली देखो, देखो जनरली अगर मैं देखूंगा, जनरली अगर मैं देखता हूँ, जैसे एक सेल हो गई है, ठीक है, एक सेल हो गई, समझाने के लिए बता रहा हूँ मैं आपको। हाँ, जैसे सेल हो गई, तो सेल के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस होता है सेंटर पे, ठीक है, सेंटर पे न्यूक्लियस होता है। तो उस न्यूक्लियस के अंदर थोड़ा सा एक जेनेटिक मटेरियल भी होता है, जैसे जेनेटिक मटेरियल बना दिया मैंने, ठीक है। अगर मैं इसकी नेमिंग करूँगा तो ये हो गया सेल, ठीक है, ये हो गया क्या, इसको क्या बोलते हैं, ये तो न्यूक्लियस ही है सेंटर पर जो है, ठीक है। और न्यूक्लियस की जो मेम्ब्रेन होती है उसको क्या क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन, ठीक है जी। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर जो ये मैंने एक स्ट्रक्चर बना रखी, इसको हम क्या बोलेंगे और इसको हम क्या बोलेंगे, ये क्या होता है, ये होता है न्यूक्लियोलस, ठीक है। और जो अंदर का जो जेनेटिक मटेरियल होता है, तो ये तो आपको पता है, ये जेनेटिक मटेरियल होता है डीएनए होगा या आरएनए होगा, जेनेटिक मटेरियल, ठीक है। अगर मैं देखो, जनरली हमें इन चीज़ों का पता होना चाहिए, जैसे सेल है, न्यूक्लियस आता है, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियस जो होता है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है आउटर साइड पर, उसके उसके अंदर न्यूक्लियस भी शो होता है हमें, और जेनेटिक मटेरियल भी अंदर की साइड दिखाई देते हैं, ठीक है। तो अगर मैं इसको मोनेरन्स के साथ मैं कंपेयर करना चाहूँ, कि जो मोनेरन्स होते हैं वो प्रो कैरियोटिक होते हैं, प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव और कैरियो का मतलब होता है न्यूक्लियस, तो मोनेरन्स वो होते हैं जिनके अंदर प्रिमिटिव टाइप का न्यूक्लियस होता है, ठीक है। प्रिमिटिव टाइप का न्यूक्लियस का मतलब यहाँ पे ये है कि ना तो उसके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी, ठीक है, ना उसके अंदर न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होगा, है ना, ना तो न्यूक्लियोलस होगा ना न्यूक्लियो मेम्ब्रेन होगी। और अंदर का जो फ्लूड होता है, न्यूक्लियस के अंदर भी फ्लूड, जैसे न्यूक्लियस के बाहर जो साइटोप्लाज्म होता है उसके अंदर फ्लूड होता है ना, उसको हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं। तो ऐसे ही न्यूक्लियस के अंदर जो फ्लूड होता है उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है। तो अगर न्यूक्लियस ही नहीं होगा, है ना, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होगा, न्यूक्लियोलस भी नहीं होगा, तो इसका मतलब क्या है, वहां पे न्यूक्लियस ही प्रेजेंट नहीं है मोनेरन्स के अंदर, तो कोई भी न्यूक्लियोप्लाज्म होने की संभावना है ही नहीं वहां पे। तो इसका मतलब है प्रोकैरियोट्स का मतलब हो गया कि ना तो न्यूक्लियस है, ना न्यूक्लियोलस है, और ना ही न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। तो अगर मैं निकला चाहूं तो इसका जो जो मोनेरन्स के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल होता है उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोइड, ठीक है, न्यूक्लियोइड, या फिर जीनोफोर भी बोल सकते हैं, ठीक है, या फिर इंसिपिएंट न्यूक्लियस, ठीक है, या फिर प्रो क्रोमोसोम, ठीक है। जैसे हमें जनरली पता है यार, न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस की जो मेम्ब्रेन होती है उसको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं, अगर उसके अंदर जाएंगे तो उसका जो लिक्विड होगा उसको हम न्यूक्लियोप्लाज्म बोलेंगे, ठीक है। न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर हमें न्यूक्लियोलस भी दिखाई देगा और जेनेटिक मटेरियल भी दिखाई देगा, ठीक है। तो लेकिन अगर प्रोकैरियोट्स के केस में, प्रोकैरियोट्स का मतलब ही होगा प्रिमिटिव टाइप का न्यूक्लियस। प्रिमिटिव टाइप का न्यूक्लियस क्या होता है कि जब स्टार्टिंग में जब लाइफ फॉर्म हुई होगी उस समय जेनेटिक मटेरियल किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है सेल के अंदर, ठीक है, ना तो उसके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती, ना ही न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होता, ना ही न्यूक्लियोप्लाज्म होता, ठीक है। तो ऐसे जेनेटिक मटेरियल को हम बोलेंगे न्यूक्लियोइड भी बोल सकते हैं, जीनोफोर भी बोल सकते हैं, इंसिपिएंट न्यूक्लियस भी बोल सकते हैं, ठीक है, और प्रो क्रोमोसोम भी बोल सकते हैं। ये पॉइंट समझ में आ गए भाई? यस सर। ओके, यस सर। क्या कोई मुझे बताएगा भाई न्यूक्लियस का फंक्शन क्या होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का फंक्शन क्या होता है, न्यूक्लियोप्लाज्म का फंक्शन क्या होता है, कोई बता पाएगा? देखो ये नाइन्थ क्लास की बातें हैं, नाइन्थ और टेंथ में होते हैं चीजें, कोई नहीं, आप सोचो, नहीं आएगा तो मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। देखो अगर अगर मोनेरन्स के अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता, ठीक है, जनरली क्या होता है, अगर यहाँ पे न्यूक्लियस प्रेजेंट है तो न्यूक्लियस प्रेजेंट है इसका मतलब क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी होगा।
तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी होगा, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे न्यूक्लियस न्यूक्लियस से या फिर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से बाउंडेड ऑर्गेनल भी प्रेजेंट होंगे, है ना। तो न्यूक्लियस से बाउंडेड ऑर्गेनल कौन कौन से होते हैं, जैसे क्या होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, ठीक है, या फिर क्या हो गया, गोल्गी अपरेटस हो गया, ठीक है। तो जैसे यार होता है, ठीक है, गोल्गी अपरेटस होता है, ठीक है, तो बहुत सारे होते हैं। तो इसका मतलब है न्यूक्लियस तो एब्सेंट है मोनेरल्स के केस में। तो देखो स्टेटमेंट पे भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, कि भाई प्रोकैरियोट्स जो जेनेटिक मटेरियल होता है मोनेरल्स के अंदर, क्या हम उसको जीनोफोर भी बोल सकते हैं या इंसिपिएंट न्यूक्लियस भी बोलते हैं या नहीं बोलते हैं, ठीक है, या मोनेरल्स के अंदर मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल प्रेजेंट होते हैं या फिर एब्सेंट होता है। स्टेटमेंट कुछ भी बन सकती है, उससे आप मतलब बच नहीं सकते हैं, ठीक है। तो अगर न्यूक्लियस एब्सेंट है मोनेरल्स के केस में, तो इसका मतलब है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी एब्सेंट होगा, गोल्गी एपेटस भी एब्सेंट होगा, वैक्यूल भी एब्सेंट होंगे, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया भी एब्सेंट होगा, है ना। तो मैं यहाँ पे पॉइंट लिख देता हूँ कि मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं, ठीक है, एब्सेंट होते हैं। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल कौन कौन से होते हैं, जैसे कौन कौन से होते हैं, जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, है ना। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में जानते हो ना, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी अपैरेटस, लाइजोसोम्स, गोल्गी अपैरेटस हो माइक्रोट्यूबुल्स, गया, माइक्रोफिलामेंट्स, सेंट्रियोल्स। ठीक है, जैसे वैक्यूल्स हो गए, इसमें ये चीजें एब्सेंट हो गया, ठीक है, या फिर माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, तो ये चीजें इसके अंदर क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं, ठीक है जी, समझ में आ गया ये लाइन भी यस सर। भाई, ये लाइन समझ में आया नहीं आया। सर कोई भी ऑर्गेनेल नहीं होती है, सर कुछ ऑर्गेनेल्स के मतलब वो मेम्ब्रेन्स प्रेजेंट नहीं होती। नहीं, मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल्स नहीं होते हैं, ठीक है, बाकी होते हैं, लेकिन मेम्ब्रेन देखो मेन मेन चीज तो यही है, जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, ठीक है, इसका काम क्या होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, कोई बता पाएगा, या गोल्गी एपरेटस का काम क्या होता है, वैक्यूल का काम क्या होता है, या माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या होता है, कोई बता पाएगा। सर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलर रेटिकुलम का काम तो वो होता है डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ब्लड, फॉर्मेशन ऑफ लिपिड्स, प्रोटीन्स वगैरह। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, तो डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ब्लड वगैरह और बाकी चीज़ें भी होता है, प्रोटीन के सिंथेसाइज में भी हेल्प करता है, राइबोसोम के बनाने में भी हेल्प करता है ये, ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। तो जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, ये भी दो टाइप का होता है, आपको पता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रफ एंड और स्मूथ। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। तो ये दोनों ही एब्सेंट होते हैं। गोल्गी अपैरेटस का काम क्या होता है, पैकेजिंग का काम होता है, वैक्यूल का काम क्या होता है, वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालने का काम होता है, और माइटोकॉन्ड्रिया तो आप जानते ही हो कि ये पावर हाउस ऑफ द सेल होता है, जहाँ पे एटीपी का स्टोरेज होता है, ठीक है जी, इतना समझ में आ गया आप लोगों के। यस, सर प्रोकैरियोट्स में न्यूक्लियस प्रेजेंट ही नहीं होता। नहीं, न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता, ठीक है, सिर्फ सेंटर पे जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है, जिसको हम न्यूक्लियोइड्स बोलते हैं या फिर जीनोफोर बोल देते हैं, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट के। देखो हमने अभी तक चार पॉइंट क्लियर करे हैं। जैसे सबसे पहला पॉइंट है हमारा कि भाई जो मोस्ट प्रिमिटिव फॉर्म ऑफ लाइफ जो है वो कहाँ से ओरिजिनेट हुई है। देखो इस पूरे वर्ल्ड के अंदर सबसे ज़्यादा, है ना, हर जगह फैलने वाला कौन सा ऑर्गेनिज्म है, बैक्टीरिया है, ठीक है, जहाँ पे हर जगह आपको मिलेगा, चाहे वो मतलब ज़्यादा ठंडा एरिया हो, गर्म एरिया हो, या कैसे भी मतलब सोल्टी एरिया हो, कैसा भी एरिया हो, वो ये मिलेगा मिलेगा। तो इसका मतलब है कि जो मोनेरन्स होते हैं वो मोस्ट प्रिमिटिव फॉर्म ऑफ लाइफ है, सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला और पुराना, जो क्या बोलते हैं उसे, आदिकाल टाइप का जो प्रेजेंट होते हैं, वो जो ओरिजिनेट हुए वो कहाँ से हुए, प्रोजेनोट से हुए। सेकंड है कि ये क्या होते हैं, ये सिंगल सेल्ड होते हैं बट फ्यू कॉलोनीज फॉर्म करते हैं, मैंने आपको बताया, क्वेश्चन भी आ चुका है इस पे। थर्ड है कि जो मोनेरल्स होते हैं वो प्रोकैरियोटिक होते हैं, प्रोकैरियोट्स का मतलब भी मैंने आप लोगों को बता दिया, और न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, इसका मतलब क्या होता है, मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल्स भी एब्सेंट होते हैं, इसका मतलब ये हो गया, ठीक है। आपको पता है वैक्यूल एब्सेंट होता है, तो वैक्यूल एब्सेंट होगा तो क्या होगा, नेक्स्ट पॉइंट,
देखो अगर मैं बात करूं प्रोकैरियोटिक सेल की, प्रोकैरियोटिक सेल की अगर मैं बात करूं, इसको मैं कंपेयर कर रहा हूं किसके साथ, यूकैरियोटिक सेल के साथ, यूकैरियोटिक सेल के साथ। आपको खुद समझ में आ जाएगा कि भाई हाँ भाई चल क्या रहा है। ठीक है, अगर मैं एक सेल का फोटो बनाऊं, जैसे एक सेल है, ठीक है, अब प्रोकैरियोट्स के अंदर तो न्यूक्लियस नहीं होता, इसकी जगह क्या होता है, इसकी जगह क्या होता है, सिर्फ जेनेटिक मटेरियल होता है सेंटर पे। ठीक है, अगर मैं यूकैरियोट्स का स्ट्रक्चर बनाऊं तो आपको सेंटर पे न्यूक्लियस दिखाई देगा। ठीक है, ये न्यूक्लियस हो गया, ठीक है, और ये क्या हो गया, ये न्यूक्लियोइड्स हो गए। ठीक है, सर इनको हम राइबोसोम भी तो होते हैं जीनोकोड इनके भी पास। बोलते हैं, ठीक है, इंसिपिएंट न्यूक्लियस भी बोलते हैं। ठीक है, तो साथ में यहाँ पे क्या होता है, वैक्यूल भी प्रेजेंट होता है। ठीक है, वैक्यूल है, जैसे वैक्यूल बना दिया मैंने, ये न्यूक्लियस है, ये वैक्यूल है। ठीक है, यहाँ पे वैक्यूल एब्सेंट है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, वैक्यूल क्या है, सर एब्सेंट है। पर इनके पास वो गैस वैक्यूल तो होता है, क्या चीज, जो गैस वैक्यूल होता है वो तो होता है प्रोकैरियोटिक सेल के पास। गैस वैक्यूल किस टाइप का बोल लो बेटा, सर ऐसा कुछ। जब मोनेरा हाँ किंगडम, मोनेरा किंगडम मैंने पढ़ा था, इनके मोनेरा मोनेरा जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उनके पास गैस वैक्यूल्स होते हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता बेटा, कुछ और आपने पढ़ लिया होगा वो। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं हो, वहाँ पे स्टोरेज बॉडी होती है एक्चुअली। आपने गैस जो वैक्यूल पढ़े हो ना, वो स्टोरेज बॉडी पढ़ ली होगी आपने, यहाँ पे स्टोरेज बॉडीज प्रेजेंट रहती है बहुत सारी। ठीक है, ये हम बोलते हैं स्टोरेज बॉडी। ठीक है, जिनके अंदर क्या होता है, प्रेजेंट रहते क्या चीज, इनके मतलब जो भी ये एनर्जी बनाएंगे या फिर कुछ भी फूड खा रहे हैं उससे जो बनाएंगे प्रोडक्ट, वो यहाँ पे स्टोरेज का काम करती है। ठीक है, आप एक बार देखना दोबारा से, मुझसे पूछना। तो यहाँ पे मैं बात कर रहा था कि वैक्यूल के बारे में, कि यहाँ पे वैक्यूल प्रेजेंट है यूकेरियोटिक सेल के अंदर, यहाँ पे वैक्यूल एब्सेंट है। देखो वैक्यूल प्रेजेंट है तो वैक्यूल का भी फंक्शन होता है। ठीक है, तो वैक्यूल की वजह से होता क्या था, कि वैक्यूल क्या कराता था, साइक्लोसिस, मतलब साइटोप्लाज्म के अंदर वैक्यूल प्रेजेंट है तो ये मूवमेंट कराता था साइक्लोसिस वाला। ठीक है, इसके इर्द गिर्द क्या घूमता था, साइटोप्लाज्म का लिक्विड घूमता था, तो इस मूवमेंट को हम बोलते थे साइक्लोसिस। तो ये है साइक्लोसिस। ठीक है, तो साइक्लोसिस क्या करवाता था, कीप मूविंग अराउंड वैक्यूल, वैक्यूल के अराउंड जो फ्लूड होता है उसको मूव करवाता था वैक्यूल के अराउंड। ठीक है, इस मूवमेंट को हम क्या बोलते थे, साइक्लोसिस मूवमेंट बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे वैक्यूल एब्सेंट है तो यहाँ पे कोई भी साइटोप्लाज्म की मूवमेंट नहीं होगी, साइक्लोसिस एब्सेंट होगा, इसका मतलब कोई भी मूवमेंट नहीं होगी किसकी, साइटोप्लाज्म की, एब्सेंट होगा। ठीक है जी, मूवमेंट एब्सेंट होगा, साइटोप्लाज्म एब्सेंट नहीं होगा, मूवमेंट एब्सेंट होगा। ठीक है, तो ये इसको हटा देता हूँ जी। आपको समझ में आ गया पॉइंट भी, यस सर। ओके आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और। देखो अब क्या होता है कि प्रोकैरियोट्स के अंदर सेल वॉल भी प्रेजेंट होती है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर सेल मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट होती है। ठीक है, लेकिन अगर मैं आगे जाऊं, जैसे मैंने आपको बताया था कि यूकैरिया हो गया, उसके अंदर प्रोटिस्टा होते हैं या फिर फंजाई होते हैं, प्लांट होते हैं, एनिमल्स होते हैं, तो इनके अंदर जो होता है वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप की सेल वॉल प्रेजेंट होती है, एंड किसी में सेल मेम्ब्रेन भी एब्सेंट होती है, लेकिन किसी में सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, तो किसी में सेल वॉल भी एब्सेंट होती है। तो होता क्या है, यहाँ पे जो मोनेंस के केस में है, यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। ठीक है, और जो सेल वॉल होता है, सेल वॉल जो होता है ये भी प्रेजेंट होता है। तो सेल वॉल कंपोज्ड ऑफ बना किससे होता है, कंपोज्ड ऑफ, आपको तो इतना पता ही है ना कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है वो बना किससे होता है, मेड अप ऑफ फॉस्फोलिपिड। फर्स्ट ठीक है, बाइलेयर होती है। ओके ये तो आपको पता ही है। ठीक है, एक मॉडल भी था ना, था नहीं था मॉडल, मोजेक,
ठीक है, मोजेक मॉडल था, पढ़ा नहीं पढ़ा, मोजेक एंड सैंडविच, सॉरी सैंडविच टाइप, सैंडविच मॉडल भी था, ठीक है, ये मॉडल थे मे बी 9th क्लास के अंदर, ठीक है, मोजेक मॉडल, सैंडविच मॉडल, जो आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन की पूरी इंफॉर्मेशन देते थे कि इनका नेचर कैसा है, ये किस तरीके से बिहेव करते हैं, इनका फंक्शन कैसा है, ठीक है, तो यहाँ पे इसका डिस्कशन बिल्कुल नहीं चलेगा कि कैसे, मतलब कैसा इसका मूवमेंट होता है, कैसा नहीं होता है, अगर जानना है तो 9th क्लास के बुक जरूर उठाना और देखना एक बार, जो प्लाज्मा जितना भी मुझे बताया जाएगा यहाँ पे, मतलब जितना भी मुझे लगता है कि इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए आपको मैं उतनी ज़रूर दूंगा। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है वो प्रेजेंट होता है और बना होता है किससे, फॉस्फोलिपिड जैसे बाइलेयर से, ठीक है, जो सेल वॉल होता है वो बना होता है कंपोज्ड ऑफ, किससे बना होता है, पीजी, पीजी का मतलब क्या होता है यहाँ पे, पेप्टिडोग्लाइकन, 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 ठीक है, तो जो सेल वॉल होता है मोनेरल्स के अंदर या बैक्टीरिया के अंदर वो बनाए होते हैं किस चीज के, पेप्टाइडोग्लाइकन, इसकी मैं फुल इंफॉर्मेशन दूंगा आपको सेल वॉल के अंदर जब मैं बैक्टीरिया के बारे में पढ़ाऊंगा थोड़ा सा उस वक्त, ठीक है, तो अभी आपको ये कैरेक्टरिस्टिक्स आपको याद रखने हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है, सेल वॉल भी प्रेजेंट होता है, सेल वॉल जो होता है वो बना होता है किससे, पीजी, पीजी का मतलब क्या हो गया, पेप्टाइडोग्लाइकन, इसको रट लेना अच्छी तरह, ये याद होना चाहिए आपको सर, ठीक है, हाँ जी सर, पेप्टाइडोग्लाइकन की जो सेल वॉल होती है वो पूरे मोनोरेंस में प्रेजेंट होती है, हाँ मोनोरेंस नहीं, नहीं पूरे मोनोरेंस में नहीं होती भाई, माइकोप्लाज्मा हो गया उसके अंदर सेल वॉल ही एब्सेंट होती है, ठीक है, और आपका आर्की बैक्टीरिया हो गया उसके अंदर भी डिफरेंट टाइप का कंपोजिशन होता है, ठीक है, मैं आपको बताता हूँ जो सेल वॉल का जो कंपोजिशन होता है वो होता है पेप्टाइडोग्लाइकन, लेकिन एक्सेप्शन प्रेजेंट है यहाँ पे भी, ठीक है, जैसे माइकोप्लाज्मा, जैसे माइकोप्लाज्मा, ठीक है, ये बैक्टीरिया है, इसके अंदर सेल वॉल एब्सेंट होती है, ठीक है, सेल वॉल इसके अंदर क्या होती है, एब्सेंट होती है, तो जो जो माइकोप्लाज्मा होता है इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, जोकर भी बोलते हैं, है ना, जोकर भी बोल देते हैं, ठीक है, जोकर्स भी जोकर्स बोल देते हैं, प्लांट किंगडम, हाँ जोकर्स ऑफ द प्लांट किंगडम, क्योंकि प्लांट किंगडम इसलिए बोलते हैं, पर तो हम यहाँ किसके अंदर है, मोनेरल्स के अंदर, लेकिन हम इसको क्या बोलते हैं, जोकर्स ऑफ प्लांट, जोकर्स ऑफ माइक्रोबायोलॉजी भी तो बोलते हैं ना, क्योंकि ये अपनी शेप बदल लेते हैं, शेप बदल लेते हैं, और प्लांट किंगडम में इसलिए बोला जाता है, किंगडम में रखा था, बिल्कुल बिल्कुल, पहले इनको ना क्लासिफाई किया था प्लांट किंगडम के अंदर, इसलिए इसका नाम क्या है, जोकर्स ऑफ द प्लांट किंगडम, ठीक है, और बताऊंगा इसके बारे में जब मैं इसको इस वाले ग्रुप को डिटेल में पढ़ाऊंगा, माइकोप्लाज्मा तो पढ़ाना पढ़ाना ही है क्योंकि एनसीईआरटी में भी गिवन है, तो आपको याद रखना है कि माइकोप्लाज्मा के अंदर सेल वॉल एब्सेंट होती है, ये एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन जो होते हैं हमेशा पूछे जाते हैं, हमेशा पूछे जाते हैं जो एक्सेप्शन होते हैं, ठीक है, और एक और एक्सेप्शन है, जैसे ये पहला है माइकोप्लाज्मा, सेकेंड है आर्की बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया, ठीक है, आर्की जो बैक्टीरिया होते हैं उनके अंदर जो सेल वॉल तो प्रेजेंट होती है, सेल वॉल क्या है, प्रेजेंट है, माइकोप्लाज्मा में एब्सेंट है, दिस इज द डिफरेंट थिंग, लेकिन जो आर्की बैक्टीरिया होते हैं उसके अंदर क्या होता है, सेल वॉल भी प्रेजेंट होते हैं लेकिन उनका कंपोजिशन डिफरेंट होता है, तो जो कंपोजिशन है, कंपोजिशन ऑफ सेल वॉल जो है वो क्या क्या है कंपोजिशन के अंदर, एक तो जो आर्की बैक्टीरिया की सेल वॉल होता है वो बने होते हैं किससे, प्रोटीन से, ठीक है, प्रोटीन भी प्रेजेंट होते हैं उनके अंदर, प्रोटीन, ठीक है, प्लस किस चीज से और किस चीज से, नॉन सेल्यूलोजिक पॉलीसेकेराइड, ठीक है, ये इनका कंपोजिशन है, जो उसकी सेल वॉल होती है आर्की बैक्टीरिया की, ये कंपोजिशन होता है, ठीक है, लेकिन होता क्या है, सम टाइम मैं यहीं पे बता देता हूं, कोई बात नहीं है, सम टाइम ठीक है, सम टाइम सम बैक्टीरिया
सम आर्की बैक्टीरिया, सम आर्की बैक्टीरिया लाइक मिथेनोजन contains pseudomurines. ठीक है, इसके बारे में डिटेल में हम पढ़ेंगे, लेकिन जो भी मैंने आपको बताया दिस इज द इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ दिस फेज. ठीक है, तो माइकोप्लाज्मा हो गया, आर्की बैक्टीरिया हो गया, दोनों के अंदर सेल वॉल जो होती है वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के कंपोजिशन होते हैं. भाई माइकोप्लाज्मा में तो होता ही नहीं है सेल वॉल, तो इसका कंपोजिशन पढ़ने का कोई फायदा नहीं है. ठीक है, लेकिन जो आर्की बैक्टीरिया होते हैं उनके अंदर सेल वॉल प्रेजेंट होती है, लेकिन जो उनका कंपोजिशन होता है डिफरेंट टाइप के बैक्टीरिया से वो अलग होता है. तो कंपोजिशन क्या होता है उनका, प्रोटीन से बने होते हैं प्लस नॉन सेलुलोजिक पॉलीसेक्राइड से बने होते हैं. ठीक है, लेकिन सम आर्की बैक्टीरिया भी होते हैं जैसे लाइक मिथेनोजेंस होते हैं, उनके अंदर जो कंपोजिशन होता है वो होता है सूडोम्यूरिन्स. ठीक है, इनके बारे में मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा जब हम आर्की बैक्टीरिया का ग्रुप पढ़ेंगे, जैसे आर्की बैक्टीरिया हो गया और आपका साइनोबैक्टीरिया हो गया और माइकोप्लाज्मा हो गया. जब हमें इनको वन बाय वन डिटेल में हम इनको पढ़ेंगे तो इनके कंपोजिशन को भी जानेंगे. ठीक है, और किस टाइप से बिहेव करते हैं उनको भी जानेंगे. क्या आपको इतना समझ में आ गया सर? यस सर, जो सेल मेम्ब्रेन है आपने कहा था कि वो आर्की बैक्टीरिया में वो मोनोलेयर होती है, मोनोलेयर सेल वॉल. क्या बोल रहे हो बताओ सर? आपने कहा था कि आर्की बैक्टीरिया में जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो मोनोलेयर होती है. हाँ फिर सर यहाँ पे सर फिर बाइलेयर पूरी मतलब जनरल है वो. जनरल है तो बाइलेयर तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है जनरल ही है, लेकिन जो एक्चुअली क्या ना, देखो मैं जनरल नहीं है, मैं एक चीज बताता हूँ आपको, वैसे मुझे वहीं पे ही बताना चाहिए. जो आर्की बैक्टीरिया होते हैं ठीक है, जो उनका प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है ठीक है, जनरली क्या होता है बाइलेयर होता है, लिपिड बाइलेयर होता है ना, है ना, बाइलेयर की फॉर्म में होते हैं. ठीक है, लेकिन ये बाइलेयर की फॉर्म में तो होते हैं ठीक है, साथ में हर लेयर पे ईच सिंगल लेयर कंटेन उसको लेयरिंग है ना, कंटेन लेयरिंग या आप इसको कंपार्टमेंट्स भी बोल सकते हो. ठीक है, तो एक्चुअली बाय लेयर तो होता ही होता है, लेकिन जो उसका जो ऊपर नीचे जो लेयर होती है ठीक है, अगर मैं एक लेयर की बात करूंगा तो उसके अंदर भी बहुत सारी लेयरिंग होती है इसकी फॉस्फोलिपिड की, तभी तो जो आर्की बैक्टीरिया होते हैं ना वो कहीं पे भी रह सकते हैं, सर्वाइव कर सकते हैं. जैसे मिथेनोजेंस हो गया, वो जो मिथेनोजेंस जो बैक्टीरिया होता है वो कहाँ पे रहते हैं, जहाँ पे ऑक्सीजन नहीं होता है, जैसे कोई भी कैटल हो गया उसके स्टोमक में प्रेजेंट होते हैं, है ना, कैटल के ह्यूमन में. हाँ कैटल के ह्यूमन में प्रेजेंट होते हैं क्योंकि वहाँ पे ऑक्सीजन नहीं होता. और जो ये मिथेनोजेंस होते हैं ये ऑक्सीजन हीटर होते हैं, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में आते ही ये मर जाएंगे, तो इसलिए इनको ऑक्सीजन नहीं चाहिए होता है. और जो हेलोफाइल्स होते हैं, हाँ जो हेलोफाइल्स होते हैं वो सॉल्ट लविंग होते हैं ठीक है, जहाँ पे नमक ज़्यादा होता है वहीं पे ही ये सर्वाइव कर सकते हैं, लेकिन ये दोनों जगह रह सकते हैं, फैकल्टेटिव होते हैं, दोनों जगह रह सकते हैं, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में भी रह सकते हैं और विदाउट ऑक्सीजन भी रह सकते हैं. ठीक है, थर्ड टाइप जो कैटेगरी होगी आर्की बैक्टीरिया की वो होती है थर्मो एसिडोफाइल. देखो नाम से ही पता लग रहा है, थर्मो एसिडोफाइल्स, थर्मो मतलब हीट, एसिडो मतलब एसिड ठीक है, और फाइल्स मतलब लविंग ठीक है. तो ऐसे बैक्टीरिया जिनको बहुत ज़्यादा टेम्परेचर या एसिडिक मीडियम चाहिए होता है सर्वाइव करने के लिए, तो उनकी जो सेल वॉल है, देखो कितने हार्श कंडीशन में वो रहते हैं, तो जो उनकी सेल वॉल होगी वो कुछ तो डिफरेंट होगी ना अदर बैक्टीरिया से, है ना, तो वो डिफरेंस हम आपको बताएंगे जब मैं आपको आर्की बैक्टीरिया पढ़ाऊंगा. और थोड़ा बहुत मैंने आपको बता ही दिया कि सेल वॉल के बारे में कि कंपोजिशन क्या है और किसमें स्यूडोमोनस होता है. ठीक है, समझ में आया अब? यस सर. ओके आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की साइड. हमारा जो अगला पॉइंट है हमारा वो ये है कि न्यूट्रिशन की साइड चलते हैं. जो न्यूट्रिशन जो होता है
बैक्टीरिया के अंदर या मोनेरल्स के अंदर वो दो टाइप का होता है, ठीक है। एक होता है ऑटोट्रॉप्स, आपको पता है ऑटोट्रॉप्स क्या होता है, और सेकंड होता है हेटरोट्रॉप्स, जो अपना खाना खुद बना सकते हैं, ऑटोट्रॉप्स, और जो नहीं बना सकते वो हेटरोट्रॉप्स, ठीक है। अगर हेटरोट्रॉप के अंदर भी तीन कैटेगरी आती है, ठीक है, पैरासाइट की, ठीक है, सेप्रोफाइट्स की और सिम्बायोट्स की, ठीक है। तो इसमें होता क्या है, जो ऑटोट्रॉप्स होता है वो तो फ्यू होता है, मतलब कुछ ही, जैसे साइनोबैक्टीरिया हो गया, साइनोबैक्टीरिया होता है वो लाइट के प्रेजेंस में खाना बना सकता है, मतलब खुद ही खाना बना रहा है, तो ऑटोट्रॉप्स की कंडीशन में आते हैं, तो इसको हम साइनोबैक्टीरिया को ब्लू ग्रीन एल्गी भी बोलते हैं, ठीक है, आप ये नाम याद रखना, ब्लू ग्रीन एल्गी भी साइनोबैक्टीरिया को हम बोलते हैं। और हेटरोट्रॉप्स जो होते हैं वो मेनली मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है बैक्टीरिया के अंदर मेनली, ठीक है, ये याद रखना है। कौन सा होता है, हेटरोट्रॉफिक। अगर हेटरोट्रॉफिक में भी मैं देखूं मेनली कौन सा होता है, वो होता है सेप्रोफिटिक मेनली, ठीक है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि भाई मोनेरल्स के अंदर मेनली मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, ऑप्शन अगर आपको दियो ऑटोट्रॉप्स, हेटरोट्रॉप्स, होलोजोइक वगैरह जो भी दियो आपको, उसके हिसाब से आंसर आप बता सकते हो। फ्यू पूछे तो फ्यू में भी आप बता सकते हो। अगर मेनली पूछे मतलब किस में, मतलब हेटरोट्रॉप्स के भी अंदर पहुंच जाए वो, पैरासिटिक होते हैं या सेप्रोफिटिक होते हैं या सिम्बायोटिक होते हैं, तो उसमें भी आप बता सकते हो। सेप्रोफिटिक जो होते हैं वो मेनली मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, ठीक है, इसमें कोई लॉजिक साइंस नहीं है, आपको मोड ऑफ न्यूट्रिशन पता है पहले से। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है रिप्रोडक्शन। देखो ये जो मैं आपको जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स बता रहा हूँ, ये जनरल फीचर है बैक्टीरिया के, ठीक है। देखो जो रिप्रोडक्शन करता है बैक्टीरिया वो दो टाइप से करता है, या तो एसेक्सुअली करेगा, मतलब रिप्रोडक्शन जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, या एसेक्सुअल होंगे या फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, है ना, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन या फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, ठीक है। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है बैक्टीरिया के अंदर प्रेजेंट रहता है, ठीक है। तो कैसा होगा, एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होगा बैक्टीरिया के अंदर। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो एब्सेंट होता है, लेकिन बट देखो इम्पोर्टेंट थिंग है, एक्सेप्शन आने वाला है। सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन जो होता है बैक्टीरिया के अंदर वो एब्सेंट होता है, लेकिन लेकिन जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो प्रेजेंट होता है इन कॉन्जुगेशन फॉर्म में, इन कॉन्जुगेशन फॉर्म में। कॉन्जुगेशन फॉर्म का मतलब है कि ट्रू टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं है, ठीक है, मतलब एब्सेंट है, इसका मतलब है ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट है, ठीक है। देखो कॉन्जुगेशन का मतलब है जैसे एक बैक्टीरिया है, उनने पैरासेक्सुअलिटी, बिल्कुल बिल्कुल, जैसे बैक्टीरिया है आपस में अटैच हो गए, ठीक है, इन्होंने ये ट्यूब फॉर्म कर लिया, तो इस टाइप से ये रिप्रोडक्शन शो कर सकते हैं। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक्चुअली मीनिंग क्या होता है कि भाई जो गैमेट्स प्रोड्यूस करते हो, भाई वही तो होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, है ना, जो प्रोड्यूस करते हो गैमेट, उसको हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की कंडीशन में डालेंगे। लेकिन यहाँ पे क्या है, ऐसा कुछ नहीं है, ओके, समझ में आया। यस सर, ओके, अच्छी बात है, समझ में आ गया आप लोगों के। देखो जो बैक्टीरिया जो होता है, जो बैक्टीरिया जो होता है वो कॉस्मोपोलिटन इन नेचर होता है, ठीक है। अगला पॉइंट है मेरा, बैक्टीरिया के अंदर ही बैक्टीरिया इज कॉस्मोपोलिटन इन नेचर, ठीक है। कॉस्मोपोलिटन का मतलब क्या होता है यहाँ पे, कि जो बैक्टीरिया होते हैं वो कहीं भी किसी भी हैबिटेट में पाए जा सकते हैं, ठीक है। तो जो बैक्टीरिया होते हैं, बैक्टीरिया फाउंड इन एनी वेयर, कहीं भी और एनी हैबिटेट,
किसी भी जगह पे किसी भी कंडीशन में ये बैक्टीरिया पाए जाते हैं, चाहे टेम्परेचर ज़्यादा हो या फिर एसिडिक मीडियम हो, सॉल्ट मीडियम हो, ठीक है, और नॉर्मल मीडियम हो, किसी भी टाइप के जो मीडियम होता है उसमें वे सर्वाइव कर सकते हैं। इसलिए हम बैक्टीरिया को क्या बोलते हैं, कॉस्मोपॉलिटन इन नेचर बोलते हैं। जैसे मैं कंडीशंस की बात करूँ कहाँ कहाँ ये पाए जाते हैं, ठीक है, अगर पूछ लिया जाए फिर भी मैं बता देता हूँ आपको, जैसे कहाँ कहाँ ये पाए जाते हैं, किस किस हैबिटेट में पाए जाते हैं वो देख लेते हैं। जैसे हॉट स्प्रिंग, ठीक है, हॉट स्प्रिंग में पाए जा सकते हैं, बिलो बिलो द आइसबर्ग, ठीक है, बड़ी बड़ी जो आइस की जो चट्टाने होती है अगर उनको तोड़ के देखा जाए नीचे की साइड, वहां पे भी आपको बैक्टीरिया मिलेंगे, बैक्टीरिया की प्रेजेंस आपको महसूस होगी, ठीक है। बॉटम ऑफ द ओशियन, ठीक है, बॉटम ऑफ द ओशियन, ठीक है, इनसाइड इनसाइड एंड आउटसाइड, आउटसाइड द बॉडीज ऑफ अदर ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, डेजर्ट में भी पाए जाते हैं और हवा में भी पाए जाते हैं, सस्पेंडेड इन एयर, ठीक है, तो ये हवा में भी पाए जाते हैं, हॉट स्प्रिंग में भी, बिलो द आइसबर्ग, बॉटम ऑफ द ओशियन, या इनसाइड या आउटसाइड ऑफ द बॉडी ऑफ द अदर ऑर्गेनिजम्स, डेजर्ट में भी पाए जाते हैं, ठीक है, या फिर सस्पेंडेड इन एयर। जैसे सस्पेंडेड इन एयर का मतलब कोई बता पाएगा? हवा के जो कण वगैरह और जो धूल वगैरह होती है तो बिल्कुल उनके बिल्कुल, ऊपर ही रहते हैं। ये बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। देखो आपको पता है, देखो ये नोट कर लिया आपने पूरा का पूरा? यस सर, यस सर। ओके, आगे बढ़ते थोड़ा सा, एक लास्ट पॉइंट है इस पूरे जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स ऑफ द मोनेरल्स के अंदर, जो स्ट्रक्चर होती है बैक्टीरिया की, स्ट्रक्चर जो होती है वो सिंपल होती है, ठीक है, सिंपल स्ट्रक्चर होती है, बट जो इनका बिहेवियर होता है, बिहेवियर जो होता है मोनेरल्स का वो क्या होता है, कॉम्प्लेक्स। इनको समझना बहुत मुश्किल है लेकिन सिंपल है, क्योंकि यूनिसेल्यूलर है तो सिंपल है ना, तो समझना बहुत मुश्किल है इनको। तो सिंपल स्ट्रक्चर होती है बट बिहेवियर क्या होता है, कॉम्प्लेक्स होता है। तो मैं आपको ये सारे के सारे पॉइंट एक बार फिर से आपको रिमाइंड करा दूँ दोबारा से। देखो किंगडम मोनेरल्स होते हैं, एक तो सबसे पहली बात है, जो मोनेरा जो टर्म है या मोनेरा किंगडम है वो किसने दिया है? R.H. विटेकर, वो सॉरी कॉपलैंड। कॉपलैंड ने दिया, बिल्कुल, ठीक है। और जो मोनेरल्स होते हैं वो हर जगह पे पाए जाते हैं, लाइक अ भगवान, जैसे भगवान हर जगह पे पाए जाते हैं हम मानते हैं ऐसा है, लेकिन मोनेरल्स भी हर जगह पे पाए जाते हैं, ठीक है। जो मोनेरल्स जो होते हैं वो मोस्ट प्रिमिटिव फॉर्म ऑफ लाइफ है, जो बने हैं किससे, प्रोजिनोट से, ठीक है। पहला पॉइंट हमारा ये क्लियर होता है, ठीक है। सेकंड पॉइंट क्या होता है कि जो मोस्टली ये क्या होते हैं, सिंगल सेल्ड होते हैं बट विद फ्यू कॉलोनियल फॉर्म्स होती है, जैसे साइनोबैक्टीरिया जो होता है वो कॉलोनीज फॉर्म करता है, ठीक है। तो मैंने क्वेश्चन आपसे डिस्कस किया है, आपको पता लग गया होगा। जो मोनेरल्स होता है इनका जो नेचर होता है वो होता है प्रोकैरियोटिक होते हैं, ठीक है। प्रोकैरियोटिक का मतलब होता है प्रिमिटिव टाइप का न्यूक्लियस होता है, मतलब न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। जो जेनेटिक मटेरियल होता है उनको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोइड बोलते हैं, जीनोफोर बोल देते हैं, इंसिपिएंट न्यूक्लियस बोल देते हैं, या फिर प्रो क्रोमोजोम भी बोल सकते हैं। न्यूक्लियस नहीं होगा तो मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल्स भी एब्सेंट होंगे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, गोल्गी एपरेटस हो गया, वैक्यूल हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, ठीक है। मैंने आपको बताया कि भाई वैक्यूल एब्सेंट है तो मोमेंट ऑफ जो साइटोप्लाज्म की मोमेंट होगी वो एब्सेंट होगी, लेकिन जहाँ पे वैक्यूल प्रेजेंट होगा वहाँ पे मोमेंट भी प्रेजेंट होती है। जो अगर मैं इसके मतलब आउटर मेम्ब्रेन की बात करूँ तो सबसे बाहर की साइड सेल वॉल होती है, सेल वॉल जो होता है वो बना होता है पीजी, मतलब
पेप्टाइडोग्लाइकन से बना होता है। एक्सेप्शन है इसके अंदर भी, माइकोप्लाज्मा जो बैक्टीरिया जो होता है उनके अंदर सेल वॉल एब्सेंट होते हैं, इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं, जोकर्स ऑफ द प्लांट किंगडम बोलते हैं। जोकर्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि इनकी कोई डेफिनेट शेप नहीं होती है, सेल वॉल एब्सेंट है तो कोई डेफिनेट शेप नहीं है इनकी, ठीक है, इसलिए हम इसको जोकर्स ऑफ द प्लांट किंगडम भी बोलते हैं। सेकेंड है आर्किबैक्टीरिया, आर्किबैक्टीरिया के अंदर सेल वॉल प्रेजेंट होती है लेकिन कंपोजिशन जो होता है वो डिफरेंट होता है डिफरेंट बैक्टीरिया से, ठीक है। कंपोजिशन के अंदर इसके प्रोटीन्स होते हैं प्लस नॉन सेलुलोजिक पॉलीसेक्रेट्स से बने होते हैं, लेकिन सम आर्किबैक्टीरिया जो होते हैं लाइक मेथोजेंस मिथेनोजेंस जो होते हैं उनके अंदर क्या होता है, कंपोजिशन स्यूडोम्यूरिन्स होते हैं उनके अंदर, ठीक है। और जो लिपिड होते हैं लेयर के अंदर भी बहुत सारे कंपार्टमेंट्स और लेयर्स पाए जाते हैं, इसीलिए जो आर्किबैक्टीरिया होता है वो हार्श से हार्श कंडीशन भी सर्वाइव कर सकते हैं, जैसे हॉट स्प्रिंग हो गया या कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहाँ ये सर्वाइव ना कर सकते हो, ठीक है। न्यूट्रिशन आपको पता है दो टाइप का होता ही है, ऑटोट्रॉप्स और हेटरोट्रॉप्स। अगर मैं ऑटोट्रॉप्स की बात करूँ, ऑटोट्रॉप्स भी होता है लेकिन फ्यू में होता है, जैसे साइनोबैक्टीरिया होता है वो जो होते हैं वो लाइट की प्रेजेंस में अपना खाना खुद बना सकते हैं, लेकिन हेटरोट्रॉप्स भी होते हैं, मेनली हेटरोट्रॉप्स होते हैं, मोस्टली हेटरोट्रॉप्स होते हैं, और हेटरोट्रॉप्स में भी मोस्टली कौन से होते हैं, सेप्टोफाइटिक होते हैं, ठीक है। अगर मैं रिप्रोडक्शन की बात करूँ, देखो आपको पता है जनरली दो टाइप के रिप्रोडक्शन होते हैं, एक एसेक्सुअल और एक सेक्सुअल। सेक्सुअल का मतलब आपको पता है कि भाई जब गैमेट आपस में फ्यूज होते हैं तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को माना जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है, इसलिए यहाँ पे अगर देखा जाए तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो एब्सेंट होता है, ठीक है। लेकिन ट्रू जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो एब्सेंट होता है, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रेजेंट होता है इन द फॉर्म ऑफ कॉन्जुगेशन की फॉर्म में, अभी मैंने एक डायग्राम से आपको समझाया था, और एसेक्सुअली तो प्रेजेंट होता ही होता है यहाँ पे, ठीक है। बैक्टीरिया जो होते हैं वो कॉस्मोपोलिटन इन नेचर होते हैं, मतलब हर जगह कोई भी ऐसा हैबिटेट नहीं है जहाँ पे इस वर्ल्ड के अंदर जहाँ पे बैक्टीरिया ना पाया जाता हो। कुछ हैबिटेट्स के मैंने नाम भी लिखवाए हैं, जैसे हॉट स्प्रिंग हो गया, आइसबर्ग हो गया, बॉटम ऑफ द ओशियन हो गया, ठीक है, इनसाइड और आउटसाइड ऑफ द ऑर्गेनिज्म हो गया, ठीक है, डेजर्ट हो गया, ठीक है, सस्पेंडेड इन एयर हो गया, ठीक है, इन जगह पे पाया जाता है ये। तो जो बैक्टीरिया होता है वो सिंगल सेल का होता है, इसका मतलब है जो उसकी स्ट्रक्चर है वो सिंपल है, ठीक है, लेकिन जो उसका बिहेवियर है वो कॉम्प्लेक्स है, उसका जो फंक्शन है मतलब कि क्या वो करता है, कैसे अपनी लाइफ स्पैन को वो चलाता है, कैसे वो अपने जीवन को बिताता है, इस तरीके का बिहेवियर जो होता है वो कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है। आपको ये सारे के सारे पॉइंट समझ में आ गए सर? ये क्या चीज, न्यूक्लियोइड जेनेटिक मटेरियल होता है? यस, ये प्रेजेंट होता है मॉनिका में? हाँ प्रेजेंट होता है, ठीक है। ओके, अगर मैं राइबोसोम, चलो मैं एक पॉइंट छूट गया, राइबोसोम के बारे में मैं बताने ही भूल गया। जो राइबोसोम होते हैं, ठीक है, मोनेरन्स के अंदर 70S टाइप होते हैं। 70S, ठीक है। देखो 70S टाइप का मतलब आप कोई बता पाएगा 70S का मतलब क्या होता है यार? हम क्यों लिखते हैं 70S 80S? स्वेडबर्ग यूनिट है सर ये। हाँ स्वेडबर्ग यूनिट है ना, उसको जो मेजर किया जाता है वो सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट से मेजर किया जाता है। एस का मतलब यहाँ पे क्या होता है, सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट, जिसको हम इसमें मेजर करते हैं, ठीक है। देखो 70S का यहाँ पे मतलब क्या होता है या 80S का भी मतलब क्या होता है कि इसके अंदर दो सब यूनिट प्रेजेंट है, ठीक है। दो सब यूनिट कौन कौन सी होती है, एक स्मॉल यूनिट होगी, एक लार्ज यूनिट होती है। जो स्मॉल यूनिट होती है वो 30S की होती है, और जो लार्ज यूनिट होती है वो 50S की होती है। अब आप बोलोगे कि भाई अगर मैं इनको ऐड करूंगा तो 80 हो जाएगा, तो मैंने 70S को लिखा है, किसके दिमाग में आ रहा है ये? किसी के दिमाग में आ रहा है ये? आवाज आ रही है मेरी? यस सर। तो कोई बताओ यार, ऐसा कैसे चुप हो गए आप लोग?
देखो जो ये यूनिट होती है, जैसे 30S हो गई है, 50S हो गई है, 70S हम बोलते हैं कंबाइंड मिला के हम, तो ये जो यूनिट होती है ना, हम इसको साइज के हिसाब से देखते हैं, साइज के हिसाब से देखते हैं। ठीक है, अगर मैं दोनों यूनिट की बात करूँ, मान लो कि एक छोटी यूनिट ये रही और यहाँ पे एक बड़ी यूनिट है, ठीक है, ये हमारा राइबोसोम है, राइबोसोम है। ठीक है, अगर मैं इसको पूरे कंप्लीट को देखूँ साइज को, तो ये 70S की तरह दिखाई देगा जब हम इसको मेजर करेंगे। लेकिन अब इसको हम, मैं इसको अलग अलग देखना चाहता हूँ, इसको अलग देखना चाहता हूँ, इसको अलग देखना चाहता हूँ, तो ये जो हमारा साइज निकल के आएगा वो 30S का आएगा, और ये जो होगा ये होगा 50S का। समझ गए भाई? यस सर। ओके आगे बढ़े अब। यस सर। ओके सर समझ नहीं आया, एक बार फिर बता दो। देखो, जो 70S और 80S हम बोलते हैं, इसका मतलब है कि जो राइबोसोम होते हैं उसके अंदर दो सब यूनिट प्रेजेंट होती है, एक स्मॉल होती है और एक लार्ज सब यूनिट होती है। फिर जो स्मॉल होती है उसको हम 30S से डिनोट करते हैं, अगर मैं मोनेनस की बात कर रहा हूँ। ठीक है, अगर मैं बाकी जो जिनके अंदर 80S टाइप का होता है, ठीक है, 80S टाइप का होता है, उसके अंदर जो दो सब यूनिट होती है, एक होती है 60S की और एक होती है 40S की। ठीक है, अगर आप इन दोनों को जोड़ोगे तो इससे तो 100 आ जाएगा, लेकिन मैं 80S लिख रहा हूँ। 80S क्यों लिख रहा हूँ? अगर मैं इनको एक कंबाइन साइज में देखूँ तो, है ना, कंबाइन साइज में देखूँ तो वो 70S होता है, लेकिन उसको मैं डिफ्रेंशिएट करके देखूँ, छोटी यूनिट को अलग देखूँ और लार्जर यूनिट को मैं अलग देखूँ, तो इसलिए ये जो होता है वो 30S का हो जाता है और ये जो होता है ये 50S का हो जाता है। ऐसे ही इसमें कि भाई ये 80S का है, लेकिन दो सब यूनिट जो होती है वो 60S की और 40S की होती है। समझ में आया? यस सर। ओके ओके आगे बढ़े। यस सर। ओके देखो भाई, आगे बढ़ते थोड़ा सा और। हमारा जो नेक्स्ट मोरेंस के अंदर टॉपिक है वो है शेप ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया की शेप। ठीक है, तो एनसीईआरटी के हिसाब से चार टाइप की शेप दे रखी है, जैसे स्फेरिकल शेप हो गया, रोड शेप हो गया, या स्पाइरल शेप हो गया, या फिर कॉमा शेप हो गया। ठीक है, तो एक दो मैं एक्स्ट्रा बता दूंगा, वैसे एक्स्ट्रा इसमें जानने की ज़रूरत नहीं है आप लोगों को, क्योंकि तो ये छोटा मोटा ग्रुप नहीं है, बहुत बड़ा ग्रुप है, एक्स्ट्रा बताने बैठे तो यहाँ पर पूरा दिन नहीं ख़त्म हो जाएगा। तो जो शेप ऑफ द बैक्टीरिया होता है उसको मैंने डिवाइड कर लिया डिफरेंट डिफरेंट शेप में। ठीक है, जैसे फर्स्ट मैं आपको बताना चाहता हूँ, स्फेरिकल शेप बैक्टीरिया। सेकंड है रोड शेप बैक्टीरिया। थर्ड है स्पाइरल शेप बैक्टीरिया। फोर्थ है कोमा शेप। ठीक है, फिफ्थ है स्टॉक शेप, और सिक्स्थ है हमारा बडिंग शेप। बडिंग पता क्या होता है? आवाज आ रही है? यस सर। बडिंग पता है बडिंग क्या होता है? यस सर। मोड क्या ऑफ होता है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जो हाइड्रा के अंदर होता है। बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट है। देखो, स्फेरिकल शेप के जो बैक्टीरिया होते हैं उनको बोलते हैं कोकस। ठीक है, कोकस जो स्फेरिकल शेप होते हैं, जो बैक्टीरिया होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? कोकस बैक्टीरिया बोलते हैं। ठीक है, और जो ये कोकस जो बैक्टीरिया होते हैं वो कुछ इस शेप के होते हैं, स्फेरिकल बिल्कुल। ठीक है, जो रोड शेप बैक्टीरिया होते हैं बैसिलस। उनको हम बोलते हैं बैसिलस। ठीक है, बैसिलस जो होते हैं वो रोड शेप बैक्टीरिया होते हैं, कुछ इस टाइप का।
ठीक है, इस टाइप का रॉड शेप, ठीक है, जो स्पाइरल शेप के बैक्टीरिया होते हैं वो होते हैं स्पाइरलम। स्पाइरलम, ठीक है, ये कुछ स्पाइरल फॉर्म में होते हैं ऐसे करके, ठीक है, ये स्पाइरल फॉर्म हो गए। जो कॉमा शेप बैक्टीरिया होते हैं वो कौन से होते विब्रियो। हैं? विब्रियो, बोल रहा, ठीक है, जो स्टैक शेप के बैक्टीरिया होते हैं उनको हम कोलोबैक्टर। बोलते हैं, हाँ, कोलोबैक्टर, बिल्कुल। जैसे मैं विब्रियो का एक डायग्राम तो बना दूं, ठीक है, इस टाइप का होता है, कॉमन शेप होता है। और जो स्टॉक शेप होता है वो क्या होता है? कोलो स्टॉक्ड बैक्टर, ठीक है। जो बडिंग वाला होता है उसको हम क्या बोलते हैं? रोडोमाइक्रोबियम। रोडो माइक्रोबियम, बिल्कुल सही है, रोडो माइक्रोबियम, ठीक है। तो ये कुछ शेप हो गई है स्टॉक शेप का, जैसे मतलब स्टॉक शेप कुछ इस टाइप के, जैसे ये बैक्टीरिया है, ठीक है, ये बैक्टीरिया है और नीचे इसकी स्टॉक निकली हुई है, स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर है इसका, ठीक है, इस टाइप का, ठीक है। बडिंग जो बैक्टीरिया होते हैं वो कुछ इस टाइप के होते हैं, लाइक दिस, ठीक है, स्वेलिंग, मतलब स्वेलिंग टाइप के हो जाते हैं, तो इस टाइप के होते हैं, ठीक है, बड टाइप के। तो जो स्फेरिकल शेप के बैक्टीरिया होते हैं उनको बोलते हैं हम कोकस। कोकस के अंदर भी बहुत सारे ग्रुप होते हैं, जैसे अगर सिंगल कोकस है, मतलब सिंगल फॉर्म में है, एक सिंगल है, ठीक है, उसको हम बोलेंगे मोनोकोकस, ठीक है। अगर जो बैक्टीरिया है वो डबल फॉर्म में है तो उसको हम बोलेंगे ओके। डिप्लोकोकस, ठीक है। अगर जो बैक्टीरिया है वो तीन फॉर्म में है, इसको हम बोलेंगे क्या, या दो से ज्यादा हो, तीन ना हो, या तीन हो, या स्टेफी ठीक लोगों का ही है, इसको क्या बोलेंगे, स्टेप्टो, स्टेफी लोगों का ही स्ट्रेप्टोकोकस, ठीक है। अगर इनकी शेप भी डिफाइंड नहीं है, मतलब किसी भी शेप में है ये, जैसे लाइक दिस, ठीक है, किसी भी शेप में ये आपस में अटैच्ड है, तो ऐसे वाले बैक्टीरिया को हम बोलते हैं स्टेफाइलो, ओके। कोकस, ठीक है, ओके। तो ये कुछ नाम थे कोकस के, कि मोनोकोकस सिंगल को बोलते हैं, डबल को डिप्लोकोकस बोलते हैं, और दो से ज़्यादा हो तो स्ट्रेप्टोकोकस होते हैं, लेकिन लीनियर शेप हो तो स्ट्रेप्टोकोकस है, लीनियर शेप ना हो तो स्टेफाइलोकोकस होता है, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं बैसिलस बैक्टीरिया की बात करूँगा, तो अगर वो सिंगल फॉर्म में है बैक्टीरिया, अगर ये सिंगल फॉर्म में है तो इसको हम क्या बोलेंगे, मोनो बैसिलस, ठीक है। अगर डबल फॉर्म में है इनको हम क्या बोलेंगे, डिप्लो बैसिलस, ठीक है। अगर दो से ज्यादा फॉर्म में है, दो से ज्यादा फॉर्म में है, इसको हम क्या बोलेंगे, स्ट्रेप्टो बैसिलस, ठीक है। अगर अगर कुछ मतलब एक के ऊपर एक फॉर्म है, मतलब कुछ इस टाइप से है, एक लेयर बना रहे हैं, ठीक है, ऐसी फॉर्म के बैक्टीरिया को हम बोलते हैं पैलिसेड,
पहली साइड बेसिलस, ठीक है जी, समझ में आ गए दोनों के दोनों, स्फेरिकल शेप और रोड शेप। आवाज आ रही है? यस सर। जो स्पाइरल शेप के जो बैक्टीरिया होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, स्पिरुलिना बोलते हैं, ठीक है। और ये कैसे बैक्टीरिया होते हैं, ये होते हैं इलॉन्गेटेड एंड ट्विस्टेड, ठीक है। जैसे एग्जांपल तो मैंने ऊपर ही लिख दिया, स्पिरुलिना या फिर स्पाइरोकेटस, ठीक है। दो एग्जांपल लिख दिए मैंने इसके स्पाइरल शेप के। और आपको पता है कोमा शेप तो आपको पता ही लग गया है, ठीक है। कोमा लाइक स्ट्रक्चर है इसकी विब्रिया की, ठीक है। और इसकी भी मैंने आपको लिख ही दिया, जो इसकी जो स्ट्रक्चर होती है उसके अंदर स्टॉक प्रेजेंट होती है। तो जैसे कोलोबैक्टर हो गया है ना, उसके अंदर स्टॉक प्रेजेंट होती है। सेल हैज अ स्टॉक, ठीक है। या फिर बडिंग शेप का जो बैक्टीरिया होता है उसके अंदर बड लाइक स्ट्रक्चर होती है, मतलब 12 सेल होती है लाइक बड, ठीक है। मतलब जो सेल होती है वो स्वेल कर रही होती है, जैसे रोड शेप है, मान लेते हैं ये रोड शेप है, अगर ये यहाँ से स्वेल थोड़ा सा स्वेल कर जाए इस टाइप से, तो ये क्या बन जाएगा, बडिंग शेप बन जाएगा, ठीक है। ऐसे बैक्टीरिया को हम क्या बोलते हैं, बडिंग शेप, जैसे रोडो माइक्रोबियम। ओके जी, इतना समझ में आया? यस सर। यस सर। देखो इतना तो ये तो कॉमन है बिल्कुल, अब तो मैंने कुछ करा ही नहीं है, ज्यादा पढ़ाया नहीं है, ठीक है। आगे बढ़े? यस सर। ओके, सेकंड सेकंड जो मैंने डिफ्रेंशिएट किया है इसको बैक्टीरिया को ऑन द बेसिस ऑफ फ्लैजिला, फ्लैजिला के बेस पे। भाई अब बैक्टीरिया के ऊपर फ्लैजिला होते हैं नहीं होते हैं, कितने फ्लैजिला होते हैं, उनको हम कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं, तो ये उसी के ऊपर है, ऑन द बेसिस ऑफ फ्लैजिला, ठीक है। तो फ्लैजिला के बेस पे 6 टाइप का मैं आपको बताऊंगा कि कैसे कैसे होता है ये, ठीक है, बेस्ड ऑन प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ फ्लैजिला। ठीक है, सबसे फर्स्ट, अगर किसी भी बैक्टीरिया के ऊपर कोई भी फ्लैजिला नहीं हो, ठीक है, जैसे ये एक बैक्टीरिया है, कलर दूसरा ले लेंगे, जैसे ये बैक्टीरिया है, इसके ऊपर कोई फ्लैजिला नहीं है, ठीक है, ऐसे बैक्टीरिया को हम बोलेंगे एट्रिक्यूस, एट्राइकस, ठीक है। ऐसे बैक्टीरिया क्या बोलेंगे, एट्राइकस, ठीक है। सेकंड क्या है कि अगर बैक्टीरिया पे सिर्फ एक ही फ्लैजिला प्रेजेंट हो, ठीक है, एक ही फ्लैजिला प्रेजेंट हो, जैसे यहाँ पे मैंने फ्लैजिला दिखा दिया, एक प्रेजेंट है, ठीक है, तो ऐसे बैक्टीरिया को हम क्या बोलेंगे, मोनोट्राइकस, ठीक है, मोनोट्राइकस बोलेंगे ऐसे बैक्टीरिया को। और बैक्टीरिया जो फ्लैजिला है प्रेजेंट कहाँ पे, ओनली वन साइड पे, मतलब किसी भी साइड पे हो सकता है, वो तो साइड तो डिफाइन नहीं कर सकते उसको, ठीक है। तीसरे टाइप का जो फ्लैजिला होता है जो बैक्टीरिया होगा, अगर फ्लैजिला दोनों साइड पे प्रेजेंट है, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, दोनों एंड पे फ्लैजिला प्रेजेंट है, ठीक है, तो ऐसे बैक्टीरिया को हम क्या बोलेंगे, क्या बोल सकते हैं, एम्फीट्राइकस, ठीक है। एट्राइकस कोई फ्लैजिला नहीं है, मोनोट्राइकस सिंगल फ्लैजिला है, एम्फीट्राइकस दो फ्लैजिला है, ठीक है। जो एम्फीट्राइकस है
दो फ्लैजेला हैं तो डाइट्राइकस बोलना चाहिए। नहीं, यहाँ पे अलग बोलते हैं, एमपी का मतलब ही दो ही होता भाई, ठीक है, जो वन एट ईच साइड, ठीक है, एक एक फ्लैजेला दोनों तरफ प्रेजेंट होंगे, इसका मतलब हो गया एम्फीट्राइकस टाइप का बैक्टीरिया है, ठीक है। लेकिन प्रेजेंट कितने होते हैं, जैसे यहाँ पे तो सिंगल होता है, सिंगल फ्लैजेला प्रेजेंट है, ठीक है, दैट इज ईच वन एट ईच साइड का मतलब हो गया टू फ्लैजेला प्रेजेंट है, टू फ्लैजेला प्रेजेंट है वहां पे, ठीक है। फोर टाइप, अगर बैक्टीरिया पे जो फ्लैजेला है एक साइड पे ही निकले हो इस टाइप से, लोफोट्राइकस बंचिस में निकल रहे हो, तो ऐसे बैक्टीरिया को हम नाम देंगे लोफो ट्राइकस, ठीक है। लोफो ट्राइकस में क्या होता है, क्या बोलेंगे इसको, कि ग्रुप में प्रेजेंट है, एक साइड पे ग्रुप में प्रेजेंट है जो फ्लैजिला है, ठीक है, ग्रुप ऑफ फ्लैजिला प्रेजेंट एट वन साइड, एक ही साइड पे प्रेजेंट है, उन ऐसे बैक्टीरिया को हम बोलेंगे लोफोट्राइकस। पांचवा, यस सर, एम्फीट्राइकस में ऑपोजिट साइड में होंगे दोनों? हाँ, होते 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 हैं, फिफ्थ टाइप में वही आ जाएगा। जैसे फिफ्थ टाइप में आपको बता रहा हूँ, जैसे ये बैक्टीरिया है, ठीक है, इस बैक्टीरिया के दोनों साइड जो फ्लैजिला है वो बंचेस में प्रेजेंट है इस टाइप से, ठीक है, ऐसे बैक्टीरिया को हम क्या बोलेंगे, फेलोट्राइकस। एनीवन? सिफेलोट्राइकस। ट्राइकस, ठीक है। और इसके बारे में लिखना चाहिए तो ऐसा लिख सकते हैं, ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया, ग्रुप ऑफ फ्लैजिला प्रेजेंट एट बोथ साइड, ठीक है। जो सिक्स टाइप का जो लास्ट और फाइनल टाइप, सिक्स टाइप जो है उसके अंदर जो बैक्टीरिया है उसके अंदर होता क्या है कि पूरे सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं फ्लैजिला इस टाइप से, ऐसे बैक्टीरिया को हम क्या बोलेंगे, पेरिट्राइकस। बिल्कुल बिल्कुल, पेरिट्राइकस। ठीक है, जो फ्लैजिला होते हैं प्रेजेंट होते हैं ऑल ओवर द बॉडी, फ्लैजिला प्रेजेंट ऑल ओवर द बॉडी, ठीक है जी। आपको छह के छह टाइप समझ में आ गए, एट्राइकस, मोनोट्राइकस, एम्फीट्राइकस, लोफोट्राइकस, सिफेलोट्राइकस और पेरिट्राइकस, आ गई जी? यस सर। ओके, नेक्स्ट है, देखो अब यहां से हम स्टार्ट करेंगे गेम अपना, ठीक है। गेम का मतलब है कि यहां से ही मेन चीज स्टार्ट होगी अब, ठीक है। देखो जो मोनेरा होता है, जो मोनेरा किंगडम है, उसको मैंने टू पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। अभी तक मैंने जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स बताए थे आपको, जैसे मैं आपको थोड़ा ऊपर लेके चलूँ आपको, मैं ये जो मैंने आपको बताए हैं ये सारे के सारे, ये क्या है, ये है जनरल, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोनेरा या फिर बैक्टीरिया का, ठीक है, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है। अब क्या क्या, मैंने जो मोनेरा ग्रुप है, जो मोनेरा किंगडम है, उसको मैंने टू पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, ठीक है, टू पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। जैसे आपको पता है जो सिक्स किंगडम
क्लासिफिकेशन जो था ठीक है, उसको अगर तीन डोमेन बनाए गए थे, तीन डोमेन बनाए गए थे उसके, एक था आर्की बैक्टीरिया, सेकंड था यू बैक्टीरिया है ना, और थर्ड था यू कैरिया ठीक है। तो अपने को ये लास्ट वाला ग्रुप से कोई मतलब नहीं है अभी, क्योंकि ये क्या है, इनके अंदर प्रोटिस्टा आता है, फंजाई आता है ठीक है, प्लांट आता है और एनिमल किंगडम आता है। हमको मतलब है सिर्फ इन दोनों से, क्योंकि ये दोनों के दोनों ग्रुप किसके अंदर प्रेजेंट है, मोनेरा के अंदर ठीक है, समझ में आ रहा है। तो जो मोनेरा है उसको मैंने टू पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, जो मोनेरा है उसको मैंने टू पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। फर्स्ट जो मैंने पार्ट बनाया वो बनाया मैंने आर्की बैक्टीरिया, और जो सेकंड मैंने पार्ट बनाया है वो बनाया है यू बैक्टीरिया ठीक है, लाइक अ डोमेन, जो हमारे तीन डोमेन थे ठीक है जी, समझ में आ रहा है। यस सर। ओके, तो जो मोनेरा किंगडम था उसको मैंने टू पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, एक है आर्की बैक्टीरिया और सेकंड जो ग्रुप है वो है यू बैक्टीरिया ठीक है। आपको पता है जो आर्की बैक्टीरिया वाला ग्रुप है इसकी सेल की कंपोजिशन क्या होती है, और जो ट्रू बैक्टीरिया होते हैं उनकी सेल की कंपोजिशन क्या होती है ठीक है। ट्रू वाले बैक्टीरिया इनकी जो कंपोजिशन होती है सेल की, सेल वॉल की जो कंपोजिशन होती है वो कैसी होती है, प्रोटीन की बनी होती है प्लस नॉन सेल्यूलोजिक पॉलीसेक्राइड होता है ठीक है। और जो यू बैक्टीरिया होता है, जो उनकी सेल वॉल की कंपोजिशन होती है वो कैसी होती है, कैसी होती है, पीजी से बनी होती है, पेप्टाइडो ग्लाइकन ठीक है, या फिर कुछ फ्यू जो आर्की बैक्टीरिया होते हैं ठीक है, लाइक जो मैंने आपको बताया मेथेनोजन। सर ये बैक्टीरिया में म्यूरिन भी तो होता है। हाँ, स्यूडो म्यूरिन पाया जाता है उसमें ठीक है, तो उनके अंदर स्यूडो म्यूरिन होता है। अब मैं बात करता हूँ आर्की बैक्टीरिया के अंदर कौन कौन से जो ग्रुप है वो प्रेजेंट होते हैं ठीक है। तो आर्की बैक्टीरिया के अंदर कौन सा ग्रुप प्रेजेंट होगा, मिथेनोजन, ठीक है मिथेनोजन्स, सेकंड है हेलोफाइल्स ठीक है, ठीक है थर्ड कौन सा है, थर्मो एसिडोफाइल ठीक है। तीन टाइप के ये आर्की बैक्टीरिया के अंदर प्रेजेंट होते हैं। देखो नाम से ही पता लग रहा है, मेथेनोजन मतलब मेथेन गैस से रिलेटेड है, हेलोफाइल्स मतलब जहाँ पे सोल्टी एरिया होता है वहाँ से रिलेटेड है, थर्मो एसिडोफाइल्स जहाँ पे हॉट हो गर्म हो या फिर एसिडो एसिड आ गया तो जहाँ पे एसिडिक मीडियम हो उससे रिलेटेड है ठीक है। आपको मैं एक चीज़ और नहीं बता दूं कि जो आर्की बैक्टीरिया जो होते हैं, जो आर्की बैक्टीरिया जो होते हैं ऑल्सो कॉल्ड इन्हें हम क्या बोल सकते हैं, ऑल्सो कॉल्ड एंशियंट लिविंग फॉसिल्स ठीक है। क्यों, कोई बताएगा कि एंशियंट लिविंग फॉसिल्स हम क्यों बोल रहे हैं इनको, सबसे ज्यादा यही है प्रिमिटिव है जितने जितने भी आए सारे, क्योंकि मोस्ट प्रिमिटिव ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स है। हाँ मतलब आप कह सकते हो इस बात को ठीक है, मैं इसको थोड़ा कंप्लीट कर देता हूँ। देखो ये ऐसे बैक्टीरिया है कि जो आज भी प्रेजेंट है, इनके टाइम के जो जितने भी बैक्टीरिया थे वो सब लुप्त हो चुके हैं, ख़त्म हो चुके हैं, इवोल्यूशन आ चुका है उनके अंदर ठीक है। लेकिन ये जैसे थे पहले भी इनिशियल फॉर्म में भी आज भी ये अर्थ पे वैसे ही पाए जाते हैं। इसका मतलब है आर्की बैक्टीरिया जो होते हैं वो एंशियंट लिविंग फॉसिल के नाम से भी जाने जाते हैं ठीक है।
जैसे पहले थे आज भी वैसे के वैसे ही है, कोई चेंज नहीं है इनके अंदर, ठीक है जी। इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं, एंशियंट टाइप ऑफ लिविंग फॉसिल्स। ओके आगे बढ़े थोड़ा सा। यस सर, यस सर, ठीक है। सेकंड तो टाइप रह गया यू बैक्टीरिया का रह गया। तो जो यू बैक्टीरिया जो होते हैं, इसको मैं थोड़ा सा नीचे बता देता हूँ ना, आप लोग लिख लेना, यहाँ आप लिख देता हूँ मैं। यू बैक्टीरिया के अंदर क्या क्या चीज इंक्लूड होता है, जैसे माइकोप्लाज्मा, ठीक है। सेकंड है बैक्टीरिया, एंड थर्ड वन इज साइनोबैक्टीरिया, ठीक है। एक और पढ़ाऊंगा मैं आपको, एक्टिनो माइसिटीज, ठीक है। एक्टिनो माइसिटीज सर, ये बैक्टीरिया हेटरोट्रॉफिक होते हैं ना? यस यस यस, हेटरोट्रॉफिक्स होते हैं सिर्फ साइनोबैक्टीरिया को छोड़ के, ठीक है। यस सर। ओके आपको पता है माइक्रोप्लाज्मा को हम क्या बोलते थे, क्या बोलते थे? जोकर्स ऑफ प्लांट किंगडम। जोकर ऑफ प्लांट किंगडम, जोकर्स ऑफ प्लांट किंगडम, ठीक है। बैक्टीरिया के बारे में पढ़ेंगे, साइनो बैक्टीरिया जो होता है उनको मेको नाम से जानते थे, ब्लू ग्रीन एल्गी, एल्गी। जो एक्टिनोमाइसिटीज होता है, जो ये वाला जो बैक्टीरिया है, ये रिलेट करता है किससे, फंजाई से, रिलेटेड विद फंजाई, ठीक है। ये फंजाई से रिलेट करता है और दे अपीयर्स लाइक अ फंगल हाइफा, ठीक है। मतलब जो इनकी स्ट्रक्चर होती है, वो जो फंगस होती है उनकी स्ट्रक्चर की तरह होती है, इसलिए हम इसको रिलेट करते हैं फंजाई की तरह, ठीक है। तो दे अपीयर appears like fungal hyphae, ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या हो जाएगा इसका, इसीलिए हम जो एक्टिनोमाइसिटीज होता है, also called fungal bacteria, इसको fungal bacteria भी बोलते हैं, ठीक है। ठीक है, समझ में आया इतना भाई, क्लियर हो गई है ना बातें? यस सर। ओके ओके, देखो आपने नोट कर लिया इतना? यस सर। ओके तो मैं वो थोड़ा ऊपर लेके चलता हूँ आपको। अब हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ द बैक्टीरिया, ठीक है। बैक्टीरिया की स्ट्रक्चर पढ़ेंगे अब हम। तो ये जो बैक्टीरिया है, क्या बता पाएगा फ्लैजिला के केस में ये किस टाइप का बैक्टीरिया है? एनीवन? मोनोट्राइकस सर, पेरिट्राइकस सर, पेरिट्राइकस, पेरिट्राइकस कैसे बेटा? सर फ्लैजिला पूरे बॉडी पे है ना, फ्लैजिला सिर्फ यहाँ पे है। ओह सॉरी सर, ठीक है। ये कैसा है? मोनोट्राइकस, मोनोट्राइकस बैक्टीरिया है ये, ठीक है। ये फिम्ब्राई होती है, ये अलग फंक्शन होता है उसका, बताऊंगा मैं इसके बारे में, ठीक है। तो ये जो बैक्टीरिया है, देखो पहले इसके मैं सिंपलेस्ट फॉर्म बता दूं, ये जो बैक्टीरिया है, ये जो लंबा सा आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है अभी, जब जो फ्लैजिलम है, ठीक है, ये जो शेप, जो ये जो फ्लैजिला है उसको हम मोनोट्राइकस बैक्टीरिया भी बोल सकते हैं, क्योंकि एक ही फ्लैजिला है इससे, ठीक है। और अगर मैं आउटर मोस्ट लेयर से बात करूं, तो सबसे बाहर क्या होता है, इन पे प्रेजेंट क्या होता है, कैप्सूल या फिर स्लाइम लेयर, ठीक है। उसके नीचे होती है सेल वॉल, ठीक है। सेल वॉल के नीचे क्या होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। इन तीनों लेयर को मिला के हम क्या बोलते हैं,
सेल एनवलप, एनवलप, ठीक है। तो जो कैप्सूल होता है वो आउटर मोस्ट लेयर पे प्रेजेंट होता है किसके, बैक्टीरिया के, ठीक है। और ये जो ये कैप्सूल या स्लाइम लेयर जो होता है वो बना होता है ग्लाइकोकैलिक्स से, ठीक है। एक्चुअली क्या नाम लिखना चाहिए था यहाँ पे, यहाँ पे ग्लाइको कैलिक्स लिखना चाहिए था। मैं आपको पूरा पूरा लिखवाऊंगा, टेंशन मत लो आप, मैं आपको सिर्फ समझा रहा हूँ। आउटर मोस्ट जो लेयर होती है बैक्टीरिया के अंदर वो कौन सी होती है, ग्लाइकोकैलिक्स होती है। सेकंड जो लेयर होती है वो होती है सेल वॉल, जो बना होता है किससे, पेप्टाइडोग्लाइकन से, ठीक है, इन द केस ऑफ यू बैक्टीरिया। उसके नीचे क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोल सकते हैं, जो फॉस्फोबाइलिपिड लेयर से बने होते हैं। अंदर की साइड जो क्या दिखाई देगा आपको, साइटोप्लाज्म दिखाई देगा, ठीक है, ये आपका साइटोप्लाज्म है, ठीक है। देखो ये क्रोमोसोम है आपका, क्रोमोसोम क्या होते हैं, जेनेटिक मटेरियल होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है। और इसको हम क्या क्या बोलते थे, न्यूक्लियोइड, ठीक है, और जीनोफोर और इंसिपिएंट न्यूक्लियस और या फिर प्रोक्रोमोसोम, प्रोक्रोमोसोम के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। देखो राइबोसोम यहाँ पे प्रेजेंट है, राइबोसोम कितने सारे राइबोसोम प्रेजेंट है यहाँ पे, ये रे ये रे ये रे राइबोसोम ही है सारे के सारे, ठीक है। ये जो राइबोसोम है बैक्टीरिया के अंदर ये 70S टाइप का है, 70S है, ठीक है, ओके। ये इंक्लूजन बॉडी होती है, मैंने आपको बताया था स्टोरेज बॉडी, ठीक है। इंक्लूजन बॉडी का मतलब स्टोरेज, जहाँ पे कुछ स्टोरेज हो रहा हो, ठीक है, समथिंग इज स्टोरेज, ओके जी, समझ में आया इतना बैक्टीरिया की स्टेज समझ में आ गई, ओके। आपको ये स्ट्रक्चर भी बनानी है अपने इसमें कॉपी के अंदर जहाँ पे आप नोट्स बना रहे हो, बना लिया आपने, सर क्या बनाना है, ये बैक्टीरिया की स्ट्रक्चर बनानी बेटा, ये जो मैंने अभी स्क्रीनशॉट ले लिया, यस सर बाद में बना लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लिया है, ठीक है ठीक है। एक्चुअली क्या ना बनानी तो पड़ेगी क्योंकि मुझे भी बनानी है अभी, क्योंकि उसमें एक एक लेयरिंग आपको समझानी है, ठीक है। अब बात करते हैं सेल स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया की सेल की स्ट्रक्चर, ठीक है। देखो आपको मैंने अभी बताया आउटर मोस्ट जो लेयर होते हैं वो ग्लाइकोकैलिक्स होती है, उसके अंदर क्या होती है, सेल वॉल होती है, फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, फिर साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म के अंदर राइबोसोम भी होता है, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, एक एक करके उनको हम ड्रॉ करेंगे। तो पहले बनाते हैं आउटर मोस्ट लेयर को, उसे मैं ब्लैक से दिखाता हूँ, ठीक है। ये आउटर मोस्ट लेयर हो गई आपकी, अरे अरे ये क्या हो गया, अब ये ठीक है, ठीक है, ये आउटर मोस्ट लेयर है, आउटर मोस्ट लेयर जिसको हम क्या बोल रहे हैं, ग्लाइको कैलिक्स, ठीक है, इसको मैंने डाल दिया एक नंबर फर्स्ट, ठीक है। इसके नीचे जो लेयरिंग होती है वो होती है सेल वॉल, तो सेल वॉल भी बना लेते हैं,
ठीक है, ये क्या है, सेल वॉल, ठीक है, सेल वॉल को बोल देते हैं सेकेंड नंबर, ठीक है। इसके अंदर एक होल लेयर होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन से क्या निकले होते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से क्या निकले होते हैं, फिम्ब्रिया, ठीक है, जो थर्ड मोस्ट लेयर है इसको हम बोलते हैं क्या, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, या फिर सेल मेम्ब्रेन भी बोल सकते हैं। इसको मैंने दे दिया थर्ड नंबर, ठीक है। जो ये फर्स्ट और सेकंड और जो थर्ड है, फर्स्ट सेकंड, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड जो मैंने नंबर किए हैं, इन तीनों को मिला के हम बोलते हैं सेल एनवलप, ठीक है। इन तीनों को मिला के हम क्या बोलते हैं, सेल एनवलप। देखो धीरे धीरे इनकी स्ट्रक्चर भी देखेंगे कि जो जो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपको दिखाई दे रही है येलो कलर में, यहाँ से निकले रहते हैं फिम्ब्रे, ठीक है, आउटर मोस्ट ग्रोथ है, ठीक है, ऐसे करके यहाँ से निकलते हैं जो फिम्ब्राए होते हैं, आउटर ग्रोथ जो होती है इस टाइप से, ठीक है, ये फिम्ब्राए, ठीक है। इसको मैं लिख देता हूँ, ये है आउटर ग्रोथ, ठीक है। आउटर ग्रोथ जो होता है ना, उनको हम बोलते हैं फिम्ब्राए एंड पिली, ठीक है, ठीक है। इसको हम पाइलस भी बोलते हैं, ठीक है। जो आउटर ग्रोथ होती है उसके अंदर दो चीज होती है, फिम्ब्राए प्लस पिली, ठीक है, पिली या फिर पाइलस, ठीक है जी, समझ में आ गया इतना, आवाज आ रही है? यस सर। बेटा डायग्राम ना बहुत अच्छी तरीके से बनाना, जो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ, शो करना चाह रहा हूँ, उसको भी एज इट इज ही बनाना, वैसा का वैसा ही, ठीक है, डिजाइन मत बनाना, चाहे सिंपल बना देना, ओके। कॉर्नर्स पे, कॉर्नर्स पे यहाँ पे ऐसे बीच में भी हो सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है कि बीच में नहीं होगा, बीच में भी हो सकते हैं, ठीक है। ये प्रेजेंट रहते हैं, इनको हम बोलते हैं क्या, मीजोसोम्स, ठीक है, या कैसे दिखाऊं उसको, ये क्या है, ये है मीजोसोम, ठीक है। मीजोसोम्स को एक और नाम से जानते हैं, कॉन्ड्रॉइड, ठीक है, ये मीजोसोम्स है, ये कॉर्नर्स पे भी हो सकते हैं या फिर पेरिफेरी पे, मतलब कहीं और भी जगह हो सकते हैं, जरूरी नहीं कॉर्नर्स पे हो, ठीक है, ओके, समझ में आया इतना? यस सर। तो जी सर, जो ये मीजोसोम है, जो ये मीजोसोम्स है, इसकी भी मैं लोकेशन बता देता हूँ आपको, मैं सोच रहा था बाद में बता दूंगा, तो अभी बता देता हूँ। या तो देखो ये सेंटर पे रहेगी, ठीक है, सेंट्रल लोकेशन रहेगी, या फिर लेटरल लोकेशन रहेगी, ठीक है, लेटरली प्रेजेंट होगा। तो अगर मान लेते हैं कि अगर, मतलब सेंटर का मतलब क्या हो गया,
ये वाली पोजिशन बीच में, लेटरल मतलब कॉर्नर्स पे, साइडों में, ठीक है। तो अगर सेंटर पे मीजोसोम्स प्रेजेंट है या फिर लेटरली मीजोसोम्स प्रेजेंट है, तो दोनों में क्या डिफरेंस होगा, ठीक है, ये चीज़ भी देख लेते हैं। अगर सेंटर पे प्रेजेंट है तो ये करते हैं हेल्प्स इन सेल डिवीजन, ठीक है, सेल डिवीजन में हेल्प करते हैं मीजोसोम जो है सेंटर वाले, ठीक है, क्योंकि क्योंकि इसलिए ये हेल्प करते हैं जो सेंटर वाले होते हैं, यहीं पे ही प्रेजेंट रहते हैं न्यूक्लियोइड्स, ठीक है, क्या प्रेजेंट रहते हैं यहीं पे न्यूक्लियोइड्स, ठीक है। आपको पता न्यूक्लियोइड्स क्या होते हैं, जेनेटिक मटेरियल होता है बैक्टीरिया का, ओके जी, समझ में आ रहा है? यस सर। हाँ तो बोल दिया करो। ऑल्सो हेल्प्स इन डीएनए रेप्लिकेशन, भाई अगर सेल डिवीजन हो रहा है तो रेप्लिकेशन भी तो करवा सकता है ये, है नहीं, भाई सेल डिवीजन हो रहा है, एक से दो सेल बन रहे हैं, तो एक से दो सेल तभी बनेंगे ना जब रेप्लिकेशन होगा, डबलिंग होगी जीन की, है ना, तभी तो बन सकेंगे। लेकिन जो लेटरल वाला जो मीजोसोम्स होते हैं, उनका काम क्या होता है, एक तो वो कंटेन करके रखते हैं, कंटेन रेस्पिरेटरी एंजाइम्स, ठीक है, क्या करके रखते हैं, रेस्पिरेटरी एंजाइम्स, ठीक है, रेस्पिरेटरी एंजाइम, जैसे कि लिख लेते, जैसे कि एक तो होता है मेन एंजाइम बता रहा हूँ, SDH, ठीक है, ये एंजाइम आपको याद रखना ही पड़ेगा, ठीक है, रखना पड़ेगा, अभी नहीं याद करोगे तो आप ये याद करोगे आप 14 चैप्टर में, जो रेस्पिरेशन इन प्लांट्स होता है ना उसमें याद करोगे, ठीक है। सेकंड जो मेन एंजाइम होता है वो होता है साइटोक्रोम ऑक्सीडेज एंजाइम, ठीक है, ये दो मेन एंजाइम है जो रेस्पिरेशन में काम आते हैं, दोनों के दोनों आते, तो बहुत सारे एंजाइम हैं, तो ये मैंने कुछ नाम बता दिए कि भाई SDH भी होता है, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज भी होता है। SDH का मतलब क्या होता है, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज, ठीक है, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज, ठीक है। तो सेंट्रल वाला किसी और चीज में हेल्प करता है और जो लेटरली रहता है वो किसी और चीज में हेल्प करता है, ठीक है जी, इतना समझ में आ गया? यस सर। और आपको पता है साइटोप्लाज्म तो होगा यहाँ पे, है ना, खाली जगह है तो साइटोप्लाज्म होगा यहाँ पे, इतना तो पता ही है ना आपको? यस सर। ये आपका साइटोप्लाज्म हो गया, ठीक है, और साइटोप्लाज्म के अंदर क्या होता है, राइबोसोम होते हैं, ये रहे राइबोसोम, ठीक है, ये रहे राइबोसोम, ठीक है, ये क्या है, राइबोसोम, राइबोसोम जो होते हैं वो 70S टाइप के होते हैं यहाँ पे, ठीक है। साथ में कुछ इंक्लूजन बॉडीज भी होती है, जो स्टोरेज बॉडीज जिसे हम बोलते हैं, ठीक है, एक से ज़्यादा ही होती है, बहुत सारी होती है, ठीक है। तो इन जो ग्रीन कलर में मैंने दिखाया आपको, ये है स्टोरेज बॉडी, ठीक है, स्टोरेज बॉडी होता है, ठीक है। आपको ये तो पता ही है ना, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है वो लिपिड बाइलेयर होता है ना, लिपिड बाइलेयर होता है, ठीक है, प्लस प्रोटीन्स भी प्रेजेंट होती है इसके ऊपर ही, है ना, इंट्रेंसिक प्रोटीन होती है ना, पढ़े नहीं इंट्रेंसिक प्रोटीन, पेरिफेरल प्रोटीन? नो सर। नहीं पढ़ी तो भाई देखना 9th क्लास की बुक खोल के, है ना। जो ये न्यूक्लियस होता है, ये जो न्यूक्लियस होता है ये अटैच रहता है किससे, मीजोसोम से। जो ये न्यूक्लियड होता है ये अटैच रहता है, अटैच्ड विद मीजोसोम्स, ठीक है,
कौन से वाला मीजोसोम सही है? सेंट्रल वाला, सेंट्रल मीजोसोम सही। ठीक है, हो गया, समझ में आ गया इतना? भाई समझ में आ गई बोलिए पूरी की पूरी? यस सर, यस सर। ओके तो ठीक है, फिर आज यहीं तक ही रखते हैं, है ना, वरना तो पढ़ाने को बहुत सारा है पढ़ाने को। सर राइबोसोम्स में मेम्ब्रेन होगी? क्या चीज? राइबोसोम्स में मेम्ब्रेन मतलब पर्टिकुलर टाइप से तो नहीं होगी मेम्ब्रेन, लेकिन वो एक बाउंडेड रहता है स्ट्रक्चर से, तो मे भी कह सकते हैं सूडो मेम्ब्रेन्स भी नाम दे सकते हैं उसको। सर साइटोप्लाज्म में क्रोमैटोफोर्स भी तो होते हैं? क्या चीज? सर साइटोप्लाज्म में क्रोमैटोफोर्स भी तो होते हैं? आप मुझे बताओ पहले क्रोमैटोफोर्स होते क्या हैं। चलो आपने मुझसे क्वेश्चन पूछा, मैं आपसे पूछता हूँ पहले क्रोमैटोफोर्स होते क्या हैं, पहले ही बताओ। सर वो शायद फोटोसिंथेसिस के लिए होते हैं। क्या चीज? सर फोटोसिंथेसिस के लिए, फोटो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया में। बिल्कुल, ये पिगमेंट कंटेनिंग मतलब एक क्लोरोफिल टाइप का होता है, बिल्कुल सही कह रहे हो आप। ठीक है, लेकिन इनके लिए कोई अलग स्ट्रक्चर नहीं होती है, जैसे मीजोसोम्स मैंने बताया ना आपको। यस सर, ये इन्हीं पे ही होते हैं, जैसे साइनोबैक्टीरिया होता है उन पे ये पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, यस सर। और सर, हाँ सर, ये फिम्बरे और पाइलस का क्या वर्क होता है? देखो जो पाइली होता है वो सेक्स प्लाई भी बोलते हैं मैंने। ठीक है, मैं बताऊंगा अभी आपको, नेक्स्ट क्लास में इनके ऊपर रहेगा। ठीक है, ओके ओके, चलो ठीक है बच्चों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और डीपीपी प्लीज सॉल्व करते रहना। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में सबसे पहले मैं डीपीपी का ही डिस्कशन करूंगा जहाँ तक मैंने आज पढ़ा दिया है। ओके, और मे बी कहाँ तक आपको डीपीपी मिल चुकी है? भाई कहाँ तक डीपीपी मिल चुकी है आपको? सिर्फ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पार्ट टू तक, पार्ट टू तक मिल चुकी है। ओके ओके, चलो ठीक है, मैं बनाता हूँ एक नई रिपोर्ट, है ना, मोनेरा के ऊपर। ओके, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर।